अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। पीछे फिर के घरों आए तीत, घरों आए तीत, दिन दोए चार में। अचरा तीर्थ धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से दिल्ली के भीतर का वर्णन करवा रहे हैं। श्री जी दो चार दिन में अनूप शहर से दिल्ली आ जाते हैं, जो उससे अकबदल जी को भेजा गया था कि जाओ जामा मस्जिद में सबको सनंद की वाणी सुनाओ। सब सुनते तो हैं लेकिन कहते हैं कि यह हिंदी भाषा में है इसलिए हमको स्वीकार नहीं। इतनी कट्टर शरीयत का राज्य था। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अपनी भाषा का सम्मान कीजिए, अपनी भाषा में बोलिए, लेकिन दूसरे की भी भाषा को हमें अपमान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन भारत में तो कुछ उल्टा होता है, हम अपनी भाषा का अपमान करते हैं और विदेशी भाषा का सम्मान करते हैं। संसार में ऐसा कहीं नहीं होता। एक हिंदुस्तानी जिसने अंग्रेजी में 10वीं क्लास भी पास नहीं की है, अंग्रेजी का शब्द जब बोलता है तो उसको गौरव होता है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। एक हिंदी भाषा में आप कहीं जाकर ऑफिस में बोलिए तो लोग सोचते हैं कैसा अनपढ़ आदमी होगा। दो चार टूटी फूटी अंग्रेजी के शब्द बोल दीजिए तो लोग समझते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी है। ये गुलामी की मानसिकता है। लेकिन शरीयत के उस जमाने में हिंदुस्तानी भाषा से इतनी घृणा की भावना है कि कोई सनंद की वाणी जिसमें अक्षरातीत के शब्द हैं सुनना नहीं चाहता। मैं देखता हूँ सारे संसार में भारत ही एक ऐसा देश बन गया है जिसमें लोग अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपने धर्म की निंदा करना गौरव समझते हैं। दुनिया के किसी देश में नहीं होता। एक अंग्रेज अपनी भाषा का सम्मान करेगा, अपनी वेशभूषा का सम्मान करेगा। सऊदी अरब में जो वहाँ की वेशभूषा होती है, कितनी भी गर्मी हो वैसे सिर पग उनके पाग होगी। और एक भारतीय आप देखेंगे, अनपढ़ से अनपढ़ हो, गरीब से गरीब हो, कोट पतलून पहन पहन कर ही अपना विवाह रचाएगा। अपनी भारतीय वेशभूषा का उसमें जरा भी सम्मान नहीं है। जो देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा का अपमान करता है उस देश का अस्तित्व क्या रहेगा? कभी कोई ये नहीं सोचता कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का अपमान कितने गौरव की बात है। एक बार आज़ादी की लड़ाई के समय एक बहुत बड़े नेता जर्मन में चले गए थे, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। उनके किसी मित्र ने उनके पास पत्र भेजा। जब वो पत्र पढ़ रहे थे तो जिस घर में अतिथि थे उस घर की मालकिन ने वो पत्र देख लिया कि कोई पत्र पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा कि ये अंग्रेजी में पत्र क्यों आया है? क्या आपके देश की कोई भी भाषा नहीं है? आपके देश के लोग अपनी भाषा में पत्र नहीं लिख सकते हैं और आप विदेशी भाषा में लिखे हुए पत्र को पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तानी होकर अंग्रेजी का पत्र पढ़ रहे हैं, मैं आपको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। और निकाल दिया उनको घर से। लेकिन आप देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी दे सकता है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी हिंदी बोलना अपमान समझते हैं। जब देश की सर्वोच्च सत्ता जिनके हाथ में हो, न्याय का अधिकार हो, जिस देश के मंत्री राष्ट्रपति भी, अब तो चलिए थोड़ा बहुत सम्मान होने लगा,
देखा जाता है कि बहुसंख्यक अधिकारी मंत्री अपनी राष्ट्रभाषा में भी बोलना अपमान समझते हैं. वो सोचते हैं कि अंग्रेजी में बोल लेंगे तो हम बहुत बड़े विद्वान समझे जाएंगे. सबसे बड़ी हंसी की बात तो मुझे तब लगी जब अक्षरधाम मंदिर का दिल्ली में उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन के समय में लाल कृष्ण आडवाणी जी मौजूद थे वहाँ और उद्घाटन का पहला वाक्य बोलने वाले कोई गृहस्थी नहीं थे, एक सन्यासी युवा थे. उनका उद्घाटन का पहला वाक्य ही अंग्रेजी में था. मैं सोचने लगा कि दिखावटी आधुनिकता की छाप गृहस्थियों तो क्या महात्माओं को भी ग्रस्त ले चुकी है. ये महाशय संस्कृत में बोल सकते थे, हिंदी में बोल सकते थे, अंग्रेजी में भी बोल देते, लेकिन पहला वाक्य तो कम से कम संस्कृत और अंग्रेजी में बोलना चाहिए था. जब इस देश का सन्यासी तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो मुक्त कौन करेगा. जिसको अपने राष्ट्र की गरिमा का आभास नहीं, भाषा का स्वाभिमान नहीं, संस्कृत का स्वाभिमान नहीं. मैथिली सरगुप्त ने कहा है, जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशुतुल्य नीरा मृतक समान है, वो मरे हुए के समान है. आज देखा जाए तो हम कहाँ खड़े हैं. हमारी संस्कृत कितनी महान है इसका गौरव हमें भारत में रहकर नहीं पता चल रहा है. आप विदेश जाइए, सारी दुनिया के देशों में घूम कर आइए, तब आपको पता चलेगा कि हमारी संस्कृत की महानता क्या है. एक बार हॉलैंड के का एक थियोसोफिस्ट जयपुर में रहते हैं थे कुछ साल पहले, अभी समय कहाँ है मुझे नहीं मालूम, संभवतः से सरसवा भी आ चुके हैं. उनसे मैंने पूछा कि आपको भारत में और हॉलैंड में क्या अंतर लगता है. उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरा जन्म हो तो पुनः भारत में हो. मैं हॉलैंड में अपने घर गया था, मेरी माँ कमरे में अकेली सोती रही और उसमें कंप्यूटर भी था, टीवी भी थी, काफ़ी जगह भी थी, लेकिन मैं घर के बाहर सड़क पर फुटपाथ पर सोता रहा. मेरी माँ अपने घर में सुलाने के लिए मुझे राजी नहीं थी. ये है माँ और बेटे का रिश्ता. अंग्रेजी कितनी दरिद्री भाषा है, इसके व्याकरण का कोई मूल आधार ही नहीं. पीयूटी पुट होगा लेकिन बीयूटी बुट क्यों नहीं होगा, कोई नियम नहीं. आप राम को क्या लिखते हैं, राम आर ए एम लिखेंगे तो इसको रम भी पढ़ेंगे. रम है कि राम है, कोई व्याकरण का निश्चित नियम ही नहीं है. पृथ्वी के लिए एक इसके पास केवल एक अर्थ शब्द है. संस्कृत में 101 शब्द हैं, कितनी दरिद्री भाषा है. आपको चंद्रमा के लिए केवल एक शब्द मून मिलेगा. आप संस्कृत में कितने दर्जन, 6 दर्जन 7 दर्जन आप शब्द निकाल सकते. लेकिन भारतीयों को अंग्रेजी पर गर्व है, संस्कृत पर गर्व नहीं, अपनी भाषा पर गर्व नहीं. आप पंजाब चले जाइए, वहाँ के लोग हिंदी में लिखना पसंद नहीं करते. कहीं भी बोर्ड देखेंगे, कोई सरकारी कार्यालय होंगे, वहाँ हिंदी में बोर्ड होगा, नहीं तो पंजाबी में होगा या अंग्रेजी में होगा. अंग्रेजी सम्मान की भाषा लगती है, राष्ट्रभाषा अपमान की भाषा लगती है. अपनी प्रांतीय भाषा को महत्व दे सकते हैं, राष्ट्रभाषा को महत्व नहीं दे सकते. ये संकीर्णता है कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र. अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा का अपमान करके श्रेष्ठ नहीं कहला सकती. यदि अब संस्कृत को भारत से मिटा दिया जाए तो भारत में बचता क्या है. विदेशों में हमसे ज़्यादा अच्छी अच्छी सड़कें हैं, ज़्यादा धन है. भारत की गरिमा ही संस्कृत से है, यहाँ की संस्कृत से है. हमारी संस्कृत कितनी महान है कि बेटा यदि चक्रवर्ती सम्राट भी होगा, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, तो अपनी बूढ़ी माँ के सामने आएगा तो सिर ही उसके चरणों में रखेगा. विदेशों में ऐसा नहीं मिलेगा.
मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ कि किस तरह से सनंद ग्रंथ को शेख बदल जी सुनाते हैं जामा मस्जिद में, कोई सुनने के लिए राजी नहीं, कोई सुनता है तो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये हिंदुस्तानी भाषा में है। श्री जी से शेख बदल जी सारी बातें कहते हैं, अब सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए। फिर सब मिलकर ये निर्णय करते हैं कि अच्छा चलो जो हुआ शेख सुलेमान से पुनः बात किया जाए, क्योंकि शेख सुलेमान औरंगजेब बादशाह का ऐसा दरबारी था जिसका काम ही था कि कोई जो भी फरियाद करने वाला हो उसकी फरियाद को बादशाह तक पहुंचा देना। लेकिन शेख सुलेमान के पास जब जाते हैं तो तरह तरह के बहाने करने लगता है, कभी कहता है कि तुम्हारी वेशभूषा जो है ये हिंदुओं की है, इसलिए इस वेशभूषा में बादशाह तुमसे बात नहीं कर सकता, कभी कल करते करते 2 महीने निकलवा देता है। अब सोचा जाता है कि ये तो ऐसे ही समय बर्बाद करता रहेगा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अंत में निराश होकर एक सोचा जाता है कि जो ये 22 प्रश्नों की पाती है इसको फारसी भाषा में लिख दिया जाए, क्योंकि तो हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई होती है, फारसी भाषा में लिख दिया जाए तो हो सकता है बादशाह के अधिकारियों तक के माध्यम से बादशाह तक ये बात पहुंचाई जा सकती है। अब फारसी में लिखा कैसे जाए, एक नौजवान मौलवी था मुल्ला कायम, उसको पैसे पर बुला करके लाया जाता है कि तुम जो भी पैसा मांगोगे तुमको दे दिया जाएगा, इसका फारसी में अनुवाद कर दो। अब शेख जी मीरान जी का संवाद के रूप में उसको फारसी भाषा में उद्धृत किया जाता है। इसको लिखने में लालदास जी और श्री जी दिन रात लगे रहते हैं। शेख जी कौन है, प्राणनाथ जी। मीरान जी कौन है, औरंगजेब के शासन के प्रतिनिधि स्वरूप जो 5वें अधिकारी हैं और औरंगजेब के प्रतीक के रूप में संवाद है, संवाद के माध्यम से अपनी बात को समझाना सरल होता है, यानी प्रश्नोत्तर करने वाले हैं मीरान जी। मीरान जी का तात्पर्य मीर जी, ये मीराबाई का यहाँ प्रसंग नहीं है, मीरान जी यानी मीर जी और शेख जी यानी श्री जी प्राणनाथ जी। अब ये शेख जी मीरान जी के संवाद के रूप में पूरे कुरान के सारे प्रसंग जो 22 प्रश्नों में दिए गए होते हैं वो सारे उतार दिए जाते हैं। अब उसके रुके तैयार किए जाते हैं, वे रुके जगह जगह भेजे जाते हैं शेख निजाम के यहाँ, और जो भी मिलता है उसको दिया जाता है कि भाई यह संदेश है अखरुल इमाम मोहम्मद मदी साहिबुज्जुमा का, किसी तरह से औरंगजेब बादशाह तक पहुँचाओ, लेकिन पहुँचाएगा कौन। अब कायम मुल्ला को जब बुलाया गया था तो एक और घटना होती है। सूरत का एक सौदागर रहता था जो श्री जी के दर्शन के लिए आया था, चांदनी चौक में रहा करता था। श्री जी के दर्शन करके उसको बहुत अधिक आनंद भी आया, उसने श्री जी से कहा कि मेरे पास एक दज्जाल नामा है। लालदास जी उसमें गए उसके पास कि भाई दज्जाल नामा तो दिखाओ, वो टाल मटोल करता रहा कि आज दूंगा कल दूंगा। उस युग में आज कल की तरह इतने ग्रंथ नहीं हुआ करते थे, कागज मुश्किल से बनाया जाता था, किसी किसी के पास कोई ग्रंथ हुआ करते थे। आजकल तो आप पेपर पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, कल्पना कीजिए उस युग में जब कागज ही नहीं होता था, आज से 300-400 साल पुराने जो भी ग्रंथ मिलते हैं कितने कष्ट से कागज बनाया जाता था, हाथ के बेलने से बेल बेल करके बहुत मोटा मोटा कथी रंग का कागज हुआ करता था। कई दिन उनके पास लालदास जी का ये टाल मटोल करता रहा, अंत में एक बार कह दिया कि मेरे पास तफसीर हुसैनी है, दज्जालनामा तो दिया नहीं, तफसीर हुसैनी की बात उसने पुनः छेड़ दी। तफसीर हुसैनी के बारे में पूछा जब लालदास जी ने कि ये तफसीर हुसैनी क्या है, कहता है वो सूरत का सौदागर कि इस तफसीर हुसैनी में फारसी भाषा में कुरान की टीका की हुई है।
तो लालदास जी पीछे लग गए कि भाई हमें तफसीर उसे नहीं वो दे दो। आप जानते हैं व्यापारी लोग बात टालने के बहुत अभ्यस्त होते हैं, कभी कहता है कि कल दे दूंगा, कभी कहता है परसों दे दूंगा, कभी कुछ करते करते लंबा समय गुजार दिया। लालदास जी श्री जी से निराश होकर कहने लगे कि धामदिनी वो तो बात को टालता जा रहा है, आजकल करते करते इतने दिन गुजार दिया, दे नहीं रहा है। उस समय दयाराम जी थे, दयाराम जी कहते हैं कि श्री जी ये सेवा तो हमको दीजिए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे मालूम है कि दिल्ली में काम कैसे कराया जाता है। दयाराम जी ने एक नीति निकाली, उस युग में हिंदू कोई भी यदि कुरान या कुरान से संबंधित साहित्य खरीदने जाता तो कोई मुसलमान देता नहीं था। क्यों? शासक हमेशा शासित पर दबदबा बनाए रखते, शासित को छोटा समझेगा। जैसे आज भी लोग भारत को इंडिया कहते हैं, पूछा जाए भारत तो एक नाम है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे इंडिया शब्द हो जाएगा? जैसे चाइना है, चाइना का अनुवाद अंग्रेजी में लिखेंगे तो चाइना ही होगा, उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं हो सकता। जापान का अंग्रेजी अनुवाद नहीं हो सकता, रसिया का अंग्रेजी अनुवाद नहीं हो सकता। दुनिया में एक भारत ही है जिसका अनुवाद क्यों इंडिया किया जाता है? भारत को भारत क्यों नहीं लिखा जाता? पहले के शब्दकोश में वो शब्द मिलता था जिसमें इंडस का अर्थ लिया जाता था, इंडिया उस भाव से लिया जाता था कि अवैध संतान जो चर्च से प्रमाणित ना हो, यानी अवैध संतान को इंडस कहते थे और उसी से ये इंडिया बना है। मुस्लिम जब इस देश पर शासन किए तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा? ये काफिरों का देश हिंदुस्तान है। हिंदू कौन? चोर हो, डाकू हो, काफिर हो, उसको हिंदू कहते हैं। हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही विदेशी शासकों ने अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए और यहाँ के लोगों को घृणा की भावना से दिखने के लिए ये नाम रखे हैं। लेकिन आज भी उन नामों का प्रयोग होता है, कोई ये विचार नहीं करता कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। हम जरूर हिंदू का अर्थ कर देते हैं हिनस्ति दुर्तान दुष्टान स हिंदू, लेकिन ये उत्तर तो नहीं है। उनकी भाषा में हिंदू शब्द का क्या अर्थ होगा और इंडिया शब्द का क्या अर्थ होगा, आप अंग्रेजी में और उर्दू अरबी फारसी में देख सकते हैं। दयाराम ने अपने जो दिल्ली में उनके मुस्लिम व्यापारी थे साथ में, क्योंकि दयाराम जी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए थे, उनसे कहा कि हमारे बाहर के कुछ मुस्लिम मित्र हैं वो यहाँ से तफसीर हुसैनी मंगाना चाहते हैं और आप दे दीजिए। तो परिणाम क्या हुआ, वो तो समझ गए कि ये अरबी फारसी पढ़े नहीं, ये तफसीर हुसैनी लेकर क्या करेंगे। अवश्य किसी मुस्लिम ने इनके माध्यम से मंगवाया है, क्योंकि इनके माध्यम से माल आता जाता रहता था। पूछा कितना मूल्य है, कह दिया 40 रुपया। उन्होंने मोल तोड़ करके 2 रुपये छुड़ा भी लिए, उस युग में 40 रुपये बहुत मायने रखते थे, और खुशी के मारे पागल होकर तफसीर हुसैनी दौड़ते हुए लेकर आए, श्री जी के कर कमलों में रख दिया। आप सोचिए तफसीर हुसैनी का कई वर्षों पूर्व अनुवाद अपने नरेश जी ने किया था, उसका संक्षिप्त रूप भी छापा गया, लेकिन हमारे बिना जाके पैर न फटी बीवाई उके जाने पीर पर आई। बहुत सरलता से आज सब कुछ मिल जाता है, तो सुंदर साथ को ये मालूम ही नहीं है कि कितने परिश्रम से तफसीर हुसैनी उस समय प्राप्त की गई थी। आप देखिए वाणी में महामती जी की आत्मा कहती है, ये वाणी देते मेरा जीव निकसे, जब मैं ये वाणी को बोलती हूँ तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। न कहवाणी साथ माहे आवाणी पर्ण साथ मटे कहवाणी, न कहवाणी माया माहे आवाणी पर्ण साथ मटे कहवाणी। ये ब्रह्मवाणी माया में कहने लायक नहीं है, लेकिन सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। या वाणी के कारण कई तिल तिल देह कटावे, या वाणी के कारण कोई भैरव झांप खावे,
कोई हेम गने अग्नि चली भैरव करवतले खसम को पावे नहीं पर तिल तिल काटे दे, जो तिल तिल काटे दे। यदि अपने शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी अक्षरातीत को नहीं पा सकता, भले ही पहाड़ों से छलांग लगा जाए, अपने शरीर को आरे से चिलवा दे, लेकिन हमें सरलता से ब्रह्मवाणी प्राप्त होती है। हमको जबरन सुनाई जाती है, सुंदर साथ को सिफारिश करके कहना पड़ता है कि सुंदर साथ जी वाणी सुनिए, वाणी पढ़िए, वाणी को आत्मसात कीजिए, उनसे पूछिए जिन्होंने गुफाओं में अपने जीवन को लगा दिया लेकिन सुने निराकार से परे नहीं जा पाए। अब जो कायमुल्ला जिसको बुलाया गया था उससे श्री जी ने तफसीर हुसैनी पढ़वानी शुरू की। जब पहली पढ़ा तीसवें पारे से प्रारंभ हुआ, तीसवें पारे को पढ़ा इन्ना इंजुलना हूँ, फिर ललतुल कद्रे महावदर का जब पढ़ा कि हजार महीने से वह बेहतर वह रात्रि है जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं, तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आगे जब इन्ना आतेना सूरत को पढ़ा तो उसमें यमुना जी की हौज कौसर ताल की, यमुना जी की पाल की जब मनोरम वर्णन हुआ कि किस तरह से यमुना जी की पाल पर देहरिया आई है, हीरे मोतियों से बनी हुई है, कितना हौज कौसर सुंदर है, तो श्री जी सुनने में इतने मग्न हो गए कि तीन दिन तक बिस्तर से उठे नहीं। आप सोचिए, महेश्वर तंत्र पुराण संहिता में भी मध्यम सर ये हौज कौसर का वर्णन है, छांदोग्योपनिषद में भी थोड़ा संकेत है, पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र में तो परम धाम को लक्ष्य करके बहुत वर्णित किया गया है, वैसे उसमें कहीं वर्णन केवल ब्रह्म का है तो कहीं वर्णन परम धाम का है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में परम धाम की साक्षी है तो थोड़ी सी अथर्ववेद में है और विस्तृत रूप में पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में, लेकिन हमारे समाज में इसकी भी कोई विशेष महत्ता नहीं है क्योंकि हमारा समाज साहित्य से बहुत दूर जा चुका है, साहित्य ज्ञान चित्वनी दोनों से बहुत दूर, केवल महत्ता है तो गादी की महत्ता है, स्थान की महत्ता है, हमारा गुरु स्थान हमारी गादी, कहीं खड़ाऊ पूजा, कहीं चित्र पूजा, कहीं वृक्ष पूजा, समाधि पूजा, इसी में सारा समाज लगा है। आत्मा की जागृति किससे होगी? ज्ञान के प्रकाश से, चित्वनी को जीवन में अंगीकार करने से। अब आप देख रहे हैं स्वयं अक्षरातीत हैं, जिस तन में लीला कर रहे हैं वो तन भी सम्मान दे रहा है क्योंकि तफसीर हुसैनी में कुरान की सच्चाई को दर्शाया गया है। जो मुस्लिम विद्वान होते हैं वे कट्टरवादी मानसिकता के जो होते हैं वो तफसीर हुसैनी को नहीं मानते। आज भी देखिए, आज बकरा ईद है, न जाने पूरे देश में संभवतः 2 करोड़ पशुओं का गला रेत दिया गया होगा, बेचारे वो मूक पशुओं ने क्या बिगाड़ा है। जिस अल्लाह ताला को अल रहीम अल रहमान कहा जाता है, जब हमारे शरीर में कांटा चुभता है तो कितनी पीड़ा होती है, उसमें पशुओं को जबरन बांध कर दबा कर के गला रेत रेत कर काटा जाता है, किसके नाम पर? अल्लाह की कुर्बानी के नाम पर। कुर्बानी क्या है? अपनी तृष्णाओं की तो कोई कुर्बानी नहीं करता, कुर्बानी का अर्थ होता है त्याग, त्याग यानी तृष्णाओं की कुर्बानी, विषय वासनाओं की कुर्बानी। बुद्ध ने विषय वासनाओं की कुर्बानी की, वृक्ष के नीचे 7 वर्ष बैठे रहे, कठोर तप किया, इसको तो कहा जाएगा कि हमने त्याग किया। किसी जानवर की हत्या करके उसको मार कर व्यंजन बनाकर खा लें और कहें कि हमने कुर्बानी कर दिया, उस जानवर से पूछिए जिसकी गर्दन रेती जाती है, आपकी उंगली काटी जाएगी तो आपको कितनी पीड़ा होगी। हिंदू भी कम क्यों रहे, हिंदुओं ने भी देवी माता के आगे बकरों को काटना है, कबूतरों को काटना है, भैंसों को काटना है, ये अधर्म है, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, न इसकी वेद स्वीकृति देता है न कुरान स्वीकृति देता है। हाँ, कुरान में 60,000 हरूफ होने चाहिए लेकिन है इसमें कितने? 73,634 हरूफ लगभग। कहिया सुभाने मुझको हरफ 90,000, 30 तुम जाहिर कीजिए और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो 30 रहे सो राखियो छपा
बका दरवाजे खुल सी आखिर को हम आए। 90,000 हरूप बातें हुई थी, 90,000 हरूप बातों में 30,000 मार्फत के जो शब्द थे मोहम्मद साहब की जबान पर चढ़े ही नहीं, मार्फत मोहम्मद साहब बोल नहीं सके। नियम के अनुसार कुरान में केवल 60,000 ही हरूफ होने चाहिए, लेकिन आपको विदित है कि सबसे पहले कुरान बारह संज्ञा की खाल पर लिखा गया था, क्योंकि मोहम्मद साहब के देश रहते रहते कुरान लिखित रूप में नहीं था। जब उनके देह त्याग के पश्चात लोग मारे जाने लगे तो सोचा गया कि कुरान को लिपिबद्ध करना चाहिए, नहीं तो ये तो समाप्त हो जाएगा। लिपिबद्ध करते समय फिर बदल जो कुछ हुआ उससे ये विकृति आई कि 60,000 हरफ से बढ़ गया। और जहाँ कुरान एक तरफ यह कहता है कि अल्लाह तक पशुओं का मांस नहीं पहुँचता, वहाँ नेक बंदगी पहुँचती है, इसका तात्पर्य क्या है? आप अल्लाह का नाम लेकर किसी भी पशु की हत्या करेंगे वो अल्लाह ताला उसको स्वीकार नहीं करेगा। जो सारी सृष्टि का परमात्मा है, सबके लिए दया का सागर है, वो पशुओं की हत्या क्यों करवाएगा? कहाँ कौन सा यह धर्म सिखाता है? लेकिन संसार के प्राय हर मतावलंबी ने अपने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नियमों को तोड़ मरोड़ करके व्याख्या की है। अब श्री जी इन्ना तेना सूरत को सुन करके मग्न हो जाते हैं। तफ़सीर हुसैनी के चिंतन का कार्य चलता रहता है और तब 5 रुके तैयार किए जाते हैं। इसके पहले एक विशेष घटना होती है, इसी समय प्रेम जी, नाग जी और संग जी, बिहारी जी उनको भेजते हैं। क्यों? क्योंकि गादी का खर्च कैसे चले। कहावत कही जाती है बोलचाल में कि चुपचाप बैठे रहने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। आलसी होकर के बैठे रहने से जो एक नीति का कथन है, जो बैठा रहता है उसका भाग्य बैठा रहता है, जो सोया रहता है उसका भाग्य सोया रहता है, जो चलता रहता है उसका भाग्य उसके पीछे पीछे चलता रहता है। कहने का भाव क्या है? मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए, कभी आलसी नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लोग आलसी बन गए जब से, तब से ये देश कंगाली का जीवन बिताने लगा। आप देखेंगे गांव में चले जाइए, बूढ़े लोग दोपहर को या तो ताश खेलेंगे या शाम को गुड़गुड़ा पिएंगे। शहरों में भी चले जाइए, पार्कों में सवेरे शाम तो बूढ़े लोग भी क्या करेंगे? राजनीति की बातें करेंगे। उनको सत्संग की बातें सुनाओ अच्छा नहीं लगेगा। युवा हो वृद्ध हो, किसी भी समाज में यदि आलस प्रमाद आता है तो नष्ट हो जाता है। पुरुषार्थ ही भाग्य का निर्माता होता है, और जब मनुष्य से पुरुषार्थ छूट जाता है तो विनाश को प्राप्त हो जाता है। बिहारी जी महाराज के पास परमधाम का कोई ज्ञान नहीं, ध्यान की प्रक्रिया उनको नहीं मालूम, कोई पुरुषार्थ नहीं करते किसी को जगाने के लिए, तो परिणाम क्या होगा? धन कहाँ से आएगा? गादीपति बनकर के तो बैठ गए हैं, सुंदर साथ के बीच में धाम धनी कहला रहे हैं, धन तो आएगा नहीं, धन तो पुरुषार्थ करने पर ही आएगा। इसलिए उन्होंने प्रेम जी, नाग जी, संग जी को भेजा इस भावना से कि जाकर मिहराज को समझाओ कि जो कुछ हुआ है आखिर गादी के प्रताप से ही तो मिहराज आज इतनी जागनी कर रहे हैं, इसलिए भले ही जागनी करें, निर्देशन किसका मानना पड़ेगा? गादीपति बिहारी जी महाराज का। आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। याद रखिए, जिस स्थान से ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, जिस स्थान से भक्ति की धारा नहीं बहेगी, जिस स्थान में पुरुषार्थ नहीं रहेगा, शिष्टाचार नहीं रहेगा, उस स्थान को उजाड़ हो ही जाना है, कोई भी स्थान। हमारे समाज में 400 से अधिक मंदिर हैं, यदि 400 मंदिरों में 400 विद्वान होते, आजकल ये कल्पना सी बात लग रही है, तो शायद हमारे समाज का इतिहास कुछ और होता। लेकिन मंदिरों की दिनचर्या क्या है? सेवा पूजा से आगे कुछ नहीं होता। किसी भी मंदिर से न तो ज्ञान का तीव्र तरीके से प्रचार हो रहा है, न साहित्य पर ध्यान है, न चितवनी पर ध्यान है,
न सामाजिक जन जागृति पर ध्यान है, तो निश्चित है कि उस स्थान में आने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती जाएगी। हम जो पुरानी विचारधारा को थोपना चाहते हैं कि चरणामृत प्रसाद लेने के लिए सबको आना पड़ेगा, वो आज से 50 साल 100 साल पुरानी बात हो गई। आज आपके मंदिर में यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, युवा वर्ग को राह नहीं दिखाई जाएगी, तो चरणामृत प्रसाद लेने के लिए हर युवा आएगा ये संभव नहीं है। हवा का रुख कोई भांपना नहीं चाहता। आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है उसको कोई जानना नहीं चाहता। जब तक युवा पीढ़ी को ज्ञान के संस्कार नहीं मिलेंगे, भक्ति के संस्कार नहीं मिलेंगे, संसार में हमें करना क्या है यह नहीं बतलाया जाएगा, तो वो तो उस युग की देन है। केवल चरणामृत प्रसाद और 5 परिक्रमा या 5 चौपाई पढ़ना, जब शिक्षा का दीपक टिमटिमा रहा था, हवा के झोंके अलग चल रहे थे, किसी तरह से राज्य पर आस्था बनाए रखनी थी, इसलिए हमारे मनुष्यों ने नियम बना दिया कि प्रातः उठकर 5 चौपाई पढ़ लेनी है, चरणामृत प्रसाद ले लेना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस युग में वाणी छपी नहीं थी, किसी तरह से श्रद्धा विश्वास को अखंड रखना था, इसलिए नियमावली बनाई थी। आज उसकी आवश्यकता नहीं है। आज संसार का हर व्यक्ति शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहता है, ध्यान की तरफ बढ़ना चाहता है। चीन जैसे नास्तिक देश में ध्यान सीखा जा रहा है, योग की कक्षाएं लगती हैं, तो आप उस समाज से संबंधित है जिसमें परम धाम की चितवनी कराई जाती है। चितवनी की वह प्रक्रिया जो नारायण को मालूम नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव को नहीं मालूम कि कैसे परम धाम में प्रवेश किया जाएगा, निराकार मंडल को छोड़कर बेहद को पार करके, वो उस समाज की देन है। और उस समाज में कहा जाता है चितवनी कहाँ लिखी है वाणी में करने के लिए, राज से लेकर क्यामत तमा तक की वाणी पूरी बीतक यही पुकार पुकार कर कह रही है, आप देखो औरों को दिखाओ, स्वयं देखिए जो आज तक सृष्टि में संभव नहीं था। दुनिया कहती थी किसने अक्षरातीत को देखा है, अब तारतम वाणी के अवतरण के पश्चात ये प्रश्न करना ही गुनाह है कि किसने अक्षरातीत को देखा है। बीतक कहती है आप स्वयं देखिए, और दूसरे के लिए भी दरवाजा खोल दिया कि वो भी परम धाम देखे और अक्षरातीत को देखे, और इसके देखे बिना आपके आपको जागृत कहलाने का अधिकार तक नहीं है। गले में लकड़ी की माला पहनाने से जागनी नहीं होती है, जागनी तो होगी हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमलों की शोभा को बसाने से, अक्षरातीत के प्रति अटूट ईमान होने से। या हमारे हृदय में तो प्राणनाजी के लिए ईमान नहीं है, तो हम अपने को जागृत होने का दावा कैसे कर सकते हैं। अब श्री जी के निर्देश पर 5 रुके तैयार किए जाते हैं। उस तफसीर हुसैनी का सार तत्व ग्रहण करके फारसी भाषा में 5 रुके तैयार किए जाते हैं, और वही मैं बता रहा था। इसके पहले घटना जो होती है, प्रेम जी, नाग जी और संग जी तीनों को भेजते हैं बिहारी जी महाराज कि जाकर मेराज को समझाओ, और निश्चित है कि श्री जी के पास आने पर भेंट में तो सेवा, धन की सेवा ही मिलेगी। 2 कार्य थे, एक तो धन ले जाना, क्योंकि जो गादी स्थान है उसकी प्राथमिकता होती है वहाँ धन की सेवा सुंदर साथ करे। धन की सेवा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हर केंद्र को चाहिए कि समाज को भी धार्मिक रूप से जागृत करें। यदि आप संसार में ज्ञान का प्रकाश नहीं देंगे, आत्मिक शांति के लिए कोई मार्ग नहीं दर्शाएंगे, ध्यान का मार्ग नहीं बताएंगे, ज्ञान हृदय में प्रकाशित करके अक्षरातीत के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण की भावना नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दोष के भागी हैं। एक पुरानी परंपरा चला देना कि हम अमुक गादी पर बैठे हैं, हमारे निर्देश के बिना आप पानी भी नहीं पी सकते, ये उचित नहीं है, और शिक्षा के युग में यह अंधकार नहीं चल सकता। अब बिहारी जी महाराज भेजते हैं प्रेम जी, नाग जी और संग जी को। श्री जी के सभा में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो केवल मोहम्मद मोहम्मद की चर्चा हो रही है, यहाँ तो हिंदू पक्ष की चर्चा इस समय हो नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है औरंगजेब को संदेश देना है, तो उस समय गीता और भागवत की तो चर्चा हो नहीं सकती थी, इनमें कट्टर वही के संस्कार पड़े हुए थे। अब जब श्री जी चर्चा करते हैं तो उन्होंने दोनों रहस्य को खोल करके दिखा दिया,
कि जो कुछ कहिया कतेब ने सोई कहिया वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाएवे। जो कुछ सदगुरु धनिष देवचंद जी ने कहा है, मोहम्मद साहब ने वही कहा है, यानी कलमा और तारतम को मिला दिया तो भेद समाप्त हो गया। जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं तो प्रेम जी, नाग जी और संघ जी तीनों को ऐसी अनुभूति होती है कि श्री महाराज की जगह उन्हें सदगुरु धनिष देवचंद जी दिखाई देते हैं। अब उनको विश्वास हो जाता है कि सचमुच सतगुरु धनिष देवचंद जी महाराज जी के अंदर बैठे हैं, बिहारी जी महाराज के अंदर नहीं। अक्षरातीत का निवास किसी जड़ पदार्थ में कैसे हो सकता है? तखत और रुई के मिश्रण से बनी हुई गादी के अंदर अक्षरातीत बैठ जाए तो संसार तो सोने का तखत बनाकर फूलों की सैया लगा दे और कहे कि अक्षरातीत बैठ जाइए। हीरे मोतियों का सिंहासन बनाया जा सकता है, लेकिन याद रखिए अक्षरातीत कभी भी किसी जड़ पदार्थ में नहीं बैठते। न गादी में बैठेंगे, न कलश में बैठेंगे, न सोने के सिंहासन में बैठेंगे, वो तो आत्मा के धाम हृदय में बैठते हैं। अब भी महामती जी के धाम हृदय में बैठे हैं गुमट जी में। आप कहीं भी हीरे सोने की ईंटों से मंदिर बना लीजिए, हीरे मोतियों से उससे सजा दीजिए, सोने के हीरे मोती के सिंहासन बना दीजिए, तो भी राज्य उस पर नहीं बैठेंगे। जब बैठेंगे तो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। हृदय को सिंहासन बनाकर अक्षरातीत बैठते हैं। पहले श्री देवचंद जी के धाम हृदय में लीला किए, उसके पश्चात महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहे हैं। जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कहलाने की शोभा केवल महामती जी को है, और हर ब्रह्मात्मा को अपनी शक्ति देते हैं, अपनी कृपा की छत्र छाया में रखकर उसके धाम हृदय में अपनी शोभा विराजमान कराकर उसे जागनी कराते हैं। इसलिए वाणी कहती है, इन गुनेगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। परम धाम की ब्रह्मात्मा इस माया की दुनिया में आई है तो भी धाम धनी उस तन में विराजमान हो रहे हैं। अब श्री जी ने जब कलमा और तारतम को एक कर दिया, वेद पक्ष और कतेब पक्ष को एक कराकर सत्य की पहचान कराई कि देखो भले ही कोई तन से हिंदू है, तन से कोई मुस्लिम है, परमात्मा तो सबका एक है और राज्य सबके हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम से परे हमें परम सत्य की तरफ चलना होगा। जब यह बोध होता है नाग जी और संघ जी को, प्रेम जी को, तो उनके मन में आस्था जगती है कि सचमुच ये जो श्री जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। एक दिन देखते हैं कि शेख जी, शेख बदल और नागजी भाई दोनों एक जगह बैठकर खा रहे हैं। उस युग में हिंदू और मुस्लिम एक जगह बैठकर खा लिए यदि ले लेते थे तो हिंदू उनको बहिष्कृत कर देते थे। ऐसी कई घटनाएं हुई, कहीं मुसलमानों ने अपना जूठा पानी किसी कुएं में डाल दिया या प्रचारित कर दिया कि हमने तो रात को इस कुएं में जूठा पानी डाल दिया था, और पूरे दिन जिस जिस हिंदू ने उस कुएं का पानी पिया, जब अन्य हिंदुओं को पता चला तो उनको उन्होंने बहिष्कृत कर दिया कि अब तुम अशुद्ध हो गए हो, तुम हिंदू समाज में रहने के योग्य नहीं। जो चीज़ अशुद्ध हो सकती है उसको शुद्ध भी तो किया जा सकता है, लेकिन वह रूढ़िवादी परंपरा थी। गांव के गांव कितने लोग हो गए इसी अंधविश्वास में कि इन्होंने मुस्लिम का दिया हुआ खा लिया है, उसके जिस कुएं में जूठा पानी गिर गया उस कुएं का पानी पी लिया है तो इनका धर्म भ्रष्ट हो गया है, इनको धसमास से बहिष्कृत करो। आप देखिए एक दो लाख नहीं, करोड़ों में हिंदू इसी तरह से मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बने। धर्म क्या है? धर्म कोई छोटा मोटा मिट्टी का ढेला हो गया जो जरा सी बात पर नष्ट होता है। आप किसी मुस्लिम के साथ बैठ गए तो धर्म नष्ट हो गया, किसी का छुआ खा लिया, छोटी जाति का छुआ खा लिया तो ऊंची जाति वाले का धर्म नष्ट हो गया। धर्म किसको कहते हैं ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। धर्म तो जब सृष्टि नहीं रहती तब भी नष्ट नहीं होता। हमारा धर्म क्या है? धर्म के 10 लक्षणों का हम पालन करते हैं तो हम धार्मिक हैं। हमको तो विश्वास भी नहीं है राज्य पर,
नास्तिक कौन है? नास्तिक वह है जो सोचता है कि इस अंधेरे कमरे में कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन जो ये सोचता है कि इस अंधेरे कमरे में भी राज्य हमको देख रहे हैं, वही सबसे बड़ा आस्तिक है। चाहे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, जहाँ भी आप बैठे हों, आप सोचते हैं कि यहाँ थोड़े परमात्मा देख रहा है। किसी को चांटा मार दिया, किसी से कोई गलत व्यवहार कर लिया, लेकिन ये भूल है। आप सागर की गहराइयों में छिप जाइए, पर्वतों की गुफाओं में छिप जाइए, भयानक वन में चले जाइए, पाताल से लेकर बैकुंठ तक, निराकार तक कहीं चले जाइए, परमात्मा की अनंत दृष्टि आपको देख रही है। आपके मन में भी कोई बुरा विचार होता है तो भी वो परमात्मा से छिपा नहीं है। जो इस पर आस्था रखता है वही सबसे बड़ा आस्तिक है। भगवे वस्त्र धारण करने से, सिर के बाल, दाढ़ी के बाल बढ़ा लेने से कोई आस्तिक नहीं होता। आस्तिक वह होता है जो अपने हर कार्य को परमात्मा की साक्षी रख करके करता है कि मेरा सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे हर कार्य पर दृष्टि बनाए हुए। अब श्री जी ने जब सबको एक कर दिया तो वहाँ से पाती लिखी उन्होंने सब जगह कि हमने तो देखा है कि सतगुरु धनिष देवचंद जी श्री महाराज जी के अंदर लीला कर रहे हैं। श्री जी से बात हुई, श्री जी समझ गए थे कि नौतनपुरी धाम में इस समय पैसे की कमी हो गई है। गादी में बिहार जी के लिए अच्छी भेंट देकर उनको विदा किया। प्रेम जी का विश्वास जम गया था श्री जी पर, वो तो वहीं रह गए, लेकिन नाग जी और संग जी चले। जब रास्ते में सुंदर साथ के यहाँ गए तो दोहरी बातें करते थे। परम सृष्टि की क्या विशेषता होती है? तन दिल दो एक रूह कहिए तैसो। ब्रह्म सृष्टि कभी दो तरह की बातें नहीं करेगी। जो उसकी जिह्वा पर होगा वही उसकी जबान पर होगा। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और है और जिह्वा पर कुछ और, ये जीव सृष्टि की पहचान है। ब्रह्म सृष्टि कभी लाग लपेट नहीं जानेगी। वो अंतरात्मा की आवाज पर बोलेगी और उसके कथनों में और उसके हृदय में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। जब ये सुंदर साथ के यहाँ रास्ते में, क्योंकि दिल्ली से नौतनपुरी जाते समय रास्ते में कई जगह उनको ठहरना पड़ा। आजकल की तरह तो ट्रेनों की व्यवस्था नहीं थी कि रात को बैठे और सवेरे नौतनपुरी पहुँच जाएँ, या फ्लाइट में बैठे दो घंटे एक घंटे में पहुँच जाएँ। उस समय तो कई कई दिनों की, महीनों की यात्रा होती थी, तब कोई कहीं से जा पाता था। सुंदर साथ पूछते हैं कि आपने तो पहले पत्र में भेजा है कि बिहारी जी की गादी में सदगुरु धनिष देवचंद जी नहीं बैठे हैं, मिहराज जी के हृदय में बैठे हैं, अब पुनः इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? तो वो कहने लगी, क्या करें, उनके यहाँ गए थे तो वैसा ही करना पड़ा। अब ये गए दोनों महानुभाव और बिहारी जी से वही बात कह पाए, क्योंकि इनकी तो आदत बन गई थी दोहरे बात कहने की, दोनों तरफ बोलने की। उन्होंने कह दिया कि बिहारी जी महाराज, चाहे आप कुछ भी कहिए, सतगुरु धनिष देवचंद जी की वास्तविक बैठक तो मिहराज जी के अंदर है, हमने उनको प्रत्यक्ष देखा। अब यह बात सुनकर बिहारी जी गुस्से में लाल हो गए और अपनी गादी से उठ करके भाग गए। ये दोनों उनका पीछा पीछा करते गए। एक वृक्ष के नीचे 3 दिन तक बिहारी जी बैठे रहे। कहने लगे, जब तुमको सब कुछ मिहराज के अंदर दिखता है तो मुझे गादी पर बैठने से और मेरे बैठे रहने से क्या लाभ है? पहले तो कहते थे तुम लोग कि आप गादी पर बैठे हैं इसलिए आप अक्षरातीत हैं, हमारे धाम के धनी हैं। अब आप कह रहे हो कि मिहराज के अंदर धाम धनी है तो मैं उस गादी पर नहीं बैठूंगा। किसी तरह से हाथ जोड़कर सबने प्रार्थना की। 3 दिन तक बहुत प्रार्थना करने के पश्चात बिहारी जी महाराज की नाराजगी दूर हुई और गादी पर बैठना उन्होंने स्वीकार किया। यह कहानी है जाहिरी पहचान की और बातिनी पहचान की। संसार का एक बहुत बड़ा वर्ग गादी से जुड़ा हुआ है। हर संप्रदाय में गादी है। जैसे क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी गादी क्या है? पोप। कैथोलिक जो होते हैं पोप के कथन को अंतिम सत्य मानते हैं। पूरे संसार में जो रोमन पोप ने कह दिया उसी का कथन सबको मानना पड़ता है।
भारत में भी शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने चार स्थान बनाए थे वेदों के प्रचार के लिए, लेकिन इन चार मठों से ज्ञान का प्रचार तो नहीं हुआ, छूत छात का भेद अवश्य बढ़ गया और ये चारों स्थान भी गादी मात्र माने गए। यही स्थान, यही प्रक्रिया सभी पंथों में चली गई, चाहे वैष्णव संप्रदाय का पंथ हो, शैव संप्रदाय हो, भारत के लगभग सभी पंथों में गादी परंपरा का प्रारंभ हो गया। और सच देखा जाए तो गादी परंपरा अंधकार का जनक है। इस गादी परंपरा से अज्ञानता ही फैलती है। गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब तक बैठा रहेगा वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे जीते जी मेरे बराबर या मेरे से श्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व पैदा होने पाए, इसलिए वो कभी ज्ञान को बढ़ने नहीं देगा, कभी भक्ति की धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। अध्यात्म में कहीं ने लिखा है, चार वेद चार उपवेद छह अंग छह उपांग 1127 शाखाओं में कहीं ने लिखा है कि किसी आश्रम में एक गादीपति बना दीजिए और गादी पर भी वंशानुगत यदि पिता के बाद पुत्र को बैठाया जाए, ऐसा नहीं है। ये अवस्था कि प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रम में जो ऋषि पुत्र होता था वो बिना शिक्षण कार्य संभाल लेता था, लेकिन पुत्र को उसकी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती थी। उस युग में आजकल की तरह षोडश उपचार पूजन नहीं होता था, आरती पूजा की परंपरा नहीं थी उस समय। उस समय तो वेदाध्यन करना होता था, ध्यान करना होता था। यदि ऋषि पुत्र में वह योग्यता होती थी तब वो उसको आचार्यत्व मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। कर्म से वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती थी, जन्म से नहीं। आज तो जन्म के आधार पर जाति परंपरा का बोलबाला है। किसी में योग्यता हो चाहे ना हो, सभी पंथों में वंशानुगत गादी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और यह अध्यात्म के लिए खतरे की घंटी है। वंशवाद नहीं होना चाहिए। ट्रस्टी लोग भी जिसको गादी पर बैठा देते हैं वह भी घातक है। धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व होना चाहिए और उसमें जो सत्य बात हो वही माना जाना चाहिए। लेकिन जब गादीवाद की परंपरा बढ़ती गई तो एक तरफ सांसोकत यानी ऐश्वर्य का प्रदर्शन का बोलबाला बढ़ता गया, दूसरी तरफ अकर्मण्यता बढ़ती गई और अशिक्षा का अंधकार फैलता गया। इसी का परिणाम यह है कि आज देश में 70 लाख महात्मा तो हैं लेकिन 700 भी सच्चे ज्ञानी विद्वान और परमहंस महापुरुष मिलना संभव नहीं। इसके मूल में यही तथ्य है, शिक्षा का ह्रास, ध्यान की कमी, अकर्मण्यता और पुरुषार्थहीनता की वृद्धि। अब श्री जी के द्वारा 5 रुक्के तैयार किए जाते, सब सुंदर साथ मिलकर ये तय करते हैं कि 5 रुक्के तैयार किए जाए और जगह जगह उसको फैलाया जाए। उन रुक्कों में क्या लिखा है, जो 22 प्रश्न थे शेख जी मीर जी का, मीरान जी का संवाद, उसको जगह जगह शेख निजाम के यहाँ कई दिन गए लेकिन उसने जरा भी उन कथनों को स्वीकार नहीं किया। अब सोचा जा रहा है कि औरंगजेब तक अपनी बात पहुँचानी है तो क्या किया जाए। काफ़ी प्रयास करने के पश्चात भी कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं मिलता। आशाजीत वकील को पुनः पकड़ा जाता है लेकिन वो भी टाल मटोल कर देता है क्योंकि उसमें ईमान नहीं होता है। जब कुछ चारा नहीं मिलता, एक बार श्री जी ने देखा कि दिल्ली वही है, चांदनी चौक में जब सुंदर साथ कुछ कार्य कर रहे थे तो वहाँ भी कोई मकान देने को राजी नहीं था। फिर एक बाग में चले गए। आप देखिए, मुसलमान कहते हैं कि ये कुरान भी पढ़ते हैं और वेशभूषा हिंदू रखते हैं, इसलिए हमको ये स्वीकार नहीं। हिंदू कहते हैं कि ये चोटी भी रखते हैं, माला भी पहनते हैं और फिर ये कुरान भी पढ़ते हैं, ये हमको स्वीकार नहीं। श्री जी कहते हैं वाणी में कि मुसलमान शरीयत के नाम पर लड़ रहे हैं, हिंदू कर्मकांड के नाम पर लड़ रहे हैं। सत्य से किसी को लेना देना नहीं है। संसार सत्य को कम देखता है क्योंकि संसार बाहर की आंखों से देखता है। आप किसी मंदिर में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा
आपने कंठी पहनी है कि नहीं, तिलक लगाया है कि नहीं, आपका दिल कितना पवित्र है, आप राज्य से कितना प्रेम करते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। आपके गले में कंठी है तो आप धार्मिक माने जाएंगे, यही यह बहिर्मुखी पहचान है। अब औरंगजेब के 5 सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, एक है काजी शेख इस्लाम, जिसको आज की भाषा में सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहा जा सकता है, यानी न्याय विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसका नाम था शेख इस्लाम, काजी शेख इस्लाम। उसी तरह से औरंगजेब का जो उस्ताद था उसका नाम है शेख निजाम, यानी जिसको कहते हैं धर्मगुरु। जो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था, जो सबको शिक्षा देता था, उसका नाम था आकिल खान। और जो कोतवाल था दिल्ली का, उसका नाम था सिद्दीक फौलाद। औरंगजेब का जो दरबारी था, दरबार में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता था, उसका नाम था रिजवी खान। पांचों व्यक्तियों तक अपना संदेश पहुंचाना है। अब इसके लिए मैंने पहले कहा था रुक्का कैसे पहुंचाया जाए। सुंदर साथ ने आपस में मसलहत करी और एक दिन ऐसा हुआ कि जामा मस्जिद में जो घड़ियालची नंदराम घड़ियालची, नंदलाल घड़ियालची हैं, जिनका काम था घंटी बजाना, है हिंदू लेकिन वो नौकरी करते हैं, श्री जी की चर्चा में आते हैं, प्रभावित होते हैं, तारतम्य ज्ञान ले लेते हैं परिवार सहित। उनके पूरे परिवार ने यह निर्णय किया कि क्यों न हम ये रुक्का चिपका देने। उसमें रुक्के में लिखा था कि जो कोई इस रुक्के को पढ़े बिना अंदर प्रवेश करेगा उसको अल्लाह ताला की लानत लगेगी, दरवाजे पर लिख दिया जाता है, जो भी आता है उसको पढ़ करके ही जाना पड़ता है। धीरे धीरे यह बात 5 बजे से लेकर 9 बजे तक चली गई, पूरे दरबार में शोर फैल गया कि किसी ने रुक्का चिपकाया है। बादशाह औरंगजेब ने सरहिंद के एक फकीर से बैत लिया था, बैत लेने का तात्पर्य क्या होता है, दीक्षा लेना। उसके मन में खोज थी कि परमात्मा के बारे में हमें पता चले, सच्चा ज्ञान मिले, इमाम मेहदी की खोज में है वो। एक बार औरंगजेब बादशाह, आपको विदित है कि कुरान लिखा करता था, रात्रि को कुरान लिख रहा था, 28वें पारे में जो इमाम मेहदी की पहचान दी गई है उसको मालूम हो जाती है, उसको रहस्य खुल जाता है, वो समझ जाता है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला को इमाम मेहदी के रूप में आना है। क्योंकि कुरान की एक आयत में कहा गया है क्यामत कब होगी, उत्तर दिया गया है कि कल को होनी है। कल यानी दुनिया के साल 1000 और खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100, खुदा की रात 1। 11वीं सदी में इमाम मेहदी के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति को अवतरित होना है। यह बात औरंगजेब अच्छी तरह से जानता था और उसको मालूम है कि इस समय 11वीं सदी ही चल रही है, इस समय इमाम मेहदी अवश्य मिलेंगे। यही कारण है कि हिंदू मंदिरों को गिराता था, सोचता था कि मंदिरों को मैं तोड़वाऊँगा तो इमाम मेहदी को अवश्य मेरे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि इमाम मेहदी यह अन्याय झेल नहीं, सहन नहीं कर सकते। अब औरंगजेब बादशाह तक ये बात पहुंचती है कि उस रुके को लाओ। औरंगजेब बादशाह जब पढ़ता है उस रुके की बात, समझ जाता है कि यह रुका इमाम मेहदी के अनुयायियों ने चिपकाया है, इमाम मेहदी के जो साथी हैं वही इस रुके को चिपकाने वाले हैं। और कई महीने तक वे भटकते रहे हैं, शेख सुलेमान ने मुझे उनकी सूचना नहीं दी, तो औरंगजेब को इतना क्रोध आया, शेख सुलेमान को उसी समय उसने दरबार से बाहर निकाल दिया और शेख निजाम के बेटे शेख अब्दुल्ला को उसने शेख सुलेमान की जगह पद पर रख लिया। अब सुंदर साहब के मन में ये बात आई कि औरंगजेब से बात करने का अवसर तो अवश्य मिल सकता है। शेख अब्दुल्ला ने मुनादी फिरा दी,
की बात साथ जुमे की नमाज को मिलेगा, जिसके जो फरियाद हो अपना अपनी फरियाद लेकर बादशाह से मिल सकता है। औरंगजेब ने क्या कहवाया था कि जो रुका चिपकाने वाले हैं, मैं जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब जाऊंगा तो वो मेरे से मिल सकते हैं। आप जानते हैं कि राजा अकेले क्या कर सकता है, जब अधिकारी विश्वासघात करेगा तो राजा भी असहाय हो जाता है। बादशाह ने कुछ और कहा, सूचना दिलवाई गई और बादशाह घोड़ा लेकर खड़ा रहता है अपने घोड़े पर और देखता है कि ये तो पूरा नगर ही, दिल्ली नगर ही मेरे पास अपनी अर्जी लेकर के आ रहा है। ऐसा तो मैंने कहा नहीं था, मैंने तो कहा था कि जो रुका चिपकाने वाले हैं केवल वो आए। समझता तो है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन बिना प्रमाण के वो किसको सजा दे। शेख अब्दुल्ला जो शेख सुलेमान की जगह नियुक्त किया गया था, सबके रुके लेते रहता है। जब निर्मल दास और लाल दास जी रुका लेकर के पुनः जाते हैं, रुका लेकर के पढ़ता है और उसको फाड़ डालता है। श्री जी ने भेजा था लाल दास जी को, लाल दास जी यह दृश्य देख करके बहुत खिन्न भी हो जाते हैं, दूर से बोलते भी हैं कि अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये रुका चिपकाने वाले हम हैं और तुमने उस रुके को ही फाड़ दिया, अपने पास रख लिया, दिया ही नहीं बादशाह को। बादशाह दूर खड़ा था, लाल दास जी ने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा। लाल दास जी दौड़ लगाते हैं कि औरंगजेब के बादशाह के पास दौड़ करके हम दूसरा रुका दे दें, लेकिन तब तक तो औरंगजेब ने घोड़े को एंड दे दी थी, घोड़ा दंदनाते हुए चला गया, लाल दास जी से भेंट नहीं हो पाई। अब सोचा जाता है कि हम नलवे तैयार किए, पांच नलवे पांच व्यक्तियों पर तैयार किए जाते हैं, उनमें क्या लिखा होता है, क्यामत की पहचान। इसको यदि आप समझ जाएंगे तो कुरान का सार तत्व समझ में आ जाएगा। वैसे मुसलमान कियामत की बात सुनते हैं डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि कियामत यानी प्रलय हो जाना। कियामत का अर्थ प्रलय नहीं होता है। आपने कीर्तन में सुना होगा, कियामत आई रे साथ जी कियामत आई रे। कियामत आने का समय का अर्थ क्या है, परम धाम का वह ज्ञान अवतरित होना जिसको आत्मसात करने से दुनिया क्याम हो जाए, अखंड हो जाए। और जब दुनिया उस ज्ञान को आत्मसात कर लेगी तो अखंड कहाँ होगी, यो बेहद मंडल में, योग माया के ब्रह्मांड में। अखंड होने के लिए तो इस संसार को लय होना ही पड़ेगा। जो बाह्य अर्थ करते हैं वो सोचते हैं कि हम तो सब मर जाएंगे, इसलिए यहीं इसी दुनिया में बने रहें। क़यामत के नाम सुनते ही अधिकतर मुसलमानों को सिहरन हो जाती है। क़यामत के सात निशान हैं, मुख्य मुख्य सात निशानों के बारे में मैं संक्षेप से प्रकाश डालता हूँ। एक तो यह है, आजूज और माजूज प्रकट हो जाएंगे। पहला निशान, आजूज 100 गज का होगा और माजूज 1 गज का होगा। कुरान में एक घटना कही गई है कि नूह नबी के पोते हैं आजूज माजूज और आफिस याफिस की संतान है ये। इनकी 4 लाख कौमें हैं, इनके 3 सेनानायक हैं, साला सुबा और तावा। क्या था ये, मध्य एशिया की खूंखार जातियां थी, ये दूसरे देशों में आक्रमण करके उत्पात मचाया करती थी, इसलिए उस देश के लोगों ने एक अष्टधात की दीवार बना दी। अब आजूज माजूज की फौज जो है सवेरे से चाटना शुरू कर देती है, तो आजूज माजूज ये जो अष्टधात की दीवार है शाम तक कागज के बराबर पतली रह जाती है, लेकिन रात भर में बढ़कर वो फिर सवेरे पहले के जैसी हो जाती है। अब जब अल्लाह ताला चाहेंगे तभी ये दीवार टूटेगी, अन्यथा नहीं टूटेगी। एक पहला निशान यह है कि क़यामत के समय में आजूज माजूज प्रकट हो जाएंगे। अब सोचिए इसका बातिनी अर्थ क्या है, 4 लाख में 360 से भाग देंगे तो 1100 होता है, यानी 11वीं सदी में क़यामत के आने का प्रकट है। इसके लिए
आजूज माजूज की 4 लाख फौजों का वर्णन किया गया है। दूसरी बात कि जो क़यामत के समय में अवतरित इमाम मेहदी के द्वारा दिए हुए इल्म लदुन्नी को ग्रहण कर लेगा वो क्या होगा, अर्शदात की दीवार को तोड़ देगा। 5 तत्व 3 गुण का ये जो शरीर है यही त्रिगुणात्मा की अष्टधात की दीवार है। लगी वली कुछ और न देखे पिंड ब्रह्मांड व कुहेरी नाई, यही बातिनी अर्थ है। अष्टधात की दीवार से परे जो शरीर से परे ब्रह्मांड से परे हो जाएगा वो परम तत्व को जान जाएगा। दूसरा इसका वर्णन कुरान के 16वें पारे में दिया गया है। एक जो प्रसंग है दाबतुल अर्थ जानवर प्रकट हो जाएगा। दाबतुल अर्थ जानवर क्या होगा, उसका चेहरा तो मनुष्य की शक्ल का होगा लेकिन उसकी पीठ पर पहाड़ी बैल के, उसके सिर पर पहाड़ी बैल के सिंह होंगे, पीठ गीदड़ की होगी, छाती शेर की होगी, आंखें सुअर की होगी और कान हाथी के होंगे। ऐसा जानवर तो दुनिया में है नहीं। आशय क्या है कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही इन जानवरों जैसी हो जाएगी, उसमें हमेशा झगड़े की भावना रहेगी, तामसिक प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसमें झगड़े की प्रवृत्ति बनी रहेगी। यानी पहाड़ी बैल का सिंह उसकी विशेषता यह होती है कि उसमें खाज होती रहती है, बैल उस खाज को मिटाने के लिए किसी न किसी झाड़ी से अपने सिंह को उसमें लगा करके शक्ति प्रदर्शन करता है, लड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी यदि झगड़ा नहीं करेंगे तो उस दिन उनका भोजन नहीं बचेगा, यानी मनुष्य की प्रति प्रवृत्ति झगड़े की बन जाएगी। दूसरा निशान क्या है, मनुष्य की प्रवृत्ति पीठ की गीदड़, गीदड़ की पीठ वाली हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या करते हैं, पानी की तरह पैसा कई कामों में बहा देते हैं, जन्मदिन हो, शादी विवाह हो, कुछ और काम हो। धर्म के लिए 100 रुपया देने को कहिए उनकी भावना नहीं, घर आए हुए भिखमंगे को 2 रोटी नहीं देंगे, लेकिन होटलों में पानी की तरह जब कहीं शादी विवाह होगा कुछ भी करना होगा तो दिखावे के लिए कि समाज में हमारी इज्जत बढ़े पानी की तरह उड़ा देंगे। इसको कहते हैं गीदड़ की तरह पीठ होना। कान जो है हाथी के होंगे, हाथी की कितनी भी प्रशंसा कर दीजिए हाथी उसको भूल जाएगा, लेकिन यदि आपने उसको गाली दे दी तो आप कहीं भी रहेंगे 6 महीने के बाद भी यदि आप उसके सामने आ गए तो आप पर वह प्रहार कर देगा। यानी मनुष्य के कान बुराइयों को सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। आप देखिए आप किसी से किसी की प्रशंसा गाइए तो उसको अच्छा नहीं लगता है, और जब किसी की बुराई करना शुरू कर दीजिए सब लोग हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे, यानी निंदा का रस सबको मीठा लगता है। पीठ पीछे कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क़यामत के समय में सबको निंदा में ही रस आएगा, किसी की सच्ची प्रशंसा करने में नहीं। मनुष्य की दृष्टि सुअर की हो जाएगी। सुअर गंदी चीज़ों को ही खाता है, अच्छी चीज़ों पर उसका ध्यान कम जाता है। यानी मनुष्य की दृष्टि में पवित्रता नहीं रह जाएगी, वासनात्मक प्रवृत्ति हो जाएगी। आप देखिए आप तो समाचार पत्रों में देख रहे हैं, एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में अपने कमरे में जैसे प्रवेश जैसे ठहरे हुए थे आधी रात को एक अर्धनग्न लड़की ने प्रवेश किया। विवेकानंद कहते हैं आइए माताश्री। लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो गई कि मैं किस भावना से आई थी। विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस देश का सन्यासी हूँ जिस देश में अर्जुन ने स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को माँ कह करके संबोधित किया था। यदि ये गृहस्थी ऐसा कर सकता है तो मैं तो सन्यासी हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण से पूछा था कि लक्ष्मण सीता के आभूषणों को तुम पहचान सकते हो, कहा कि नहीं, हाँ कुछ को मैं पहचान सकता हूँ, मैं केवल चरणों के आभूषणों को पहचान सकता हूँ, गले के आभूषणों को या सिर के आभूषणों को नहीं पहचान सकता। राम पूछते हैं कि क्यों, कहा कि मैंने तो कभी सीता माता के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लक्ष्मण तो चलिए आप कहेंगे कि त्रेता युग की बात है, मैं कलयुग का उदाहरण देता हूँ। राजा भोज उज्जैन के राजा थे,
उज्जैन के पास जो क्षेत्र है वहीं उनका साम्राज्य था. उनके दरबार में कवियों की बहुलता रहती थी. माग कवि कश्मीर के थे और आप जानते हैं कश्मीर के लोग बहुत सुंदर होते हैं. उनकी पत्नी भी कश्मीर की थी. किसी ने कह दिया कि महाराज आपकी महारानी से ज़्यादा सुंदर तो आपके कवि की पत्नी है. महाराजा बहुत सोचते हैं कि मैं चल कर देखूं कि मेरे कवि की राजकवि की पत्नी मेरी महारानी से भी सुंदर कैसे है. अकेले चल देते हैं महाराज पता लगाने के लिए. दरवाज़ा खटखटाते हैं. दरवाज़ा खोलने पर माँ की पत्नी सामने आती है. उस समय माघ थे नहीं. माघ की अनुपस्थिति में महाराजा भोज गए थे. एक पल के लिए देखा, अपनी दृष्टि नीचे की और वापस आ गए. माँ की पत्नी सोचने लगती है, आज तक महाराजा भोज ने किसी पराई स्त्री की तरफ आंख नहीं उठाई, क्या कारण है कि मेरी तरफ उन्होंने ये देखा. ये हमारे देश की संस्कृति है जिसमें एक राजा भी अपने कवि की पराई पत्नी की तरफ आंख उठाने में पाप समझता है. लेकिन आजकल युग में आप देखते हैं गृहस्थी तो गृहस्थी, बड़े बड़े सन्यासी भी पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, वो जेलों की सजा काटते हैं और दुनिया कहती है कि क्या कलयुग में महात्मा इसी ही होते हैं. कोई नैतिकता नहीं रह गई. ये है दाब्दुल अर्थ जानवर का प्रकट होना, यानी पशुओं के सारे लक्षण आ जाना, मुर्गे जैसी गर्दन हो जाना. मुर्गे की गर्दन कैसी होती है आप नई पीढ़ी को देखते हैं ना, कैसे प्रणाम करते हैं. बड़ों के पैर छूने में नई पीढ़ी को बहुत अपमान महसूस होता है. विशेषकर दिल्ली में तो प्रणाम कैसे किया जाता है, चेहरे हिला करके. हाथ भी जोड़ा नहीं जाता. हाथ जोड़ने का अर्थ क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में किसी को भी प्रणाम करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, सिर नीचा करते हैं. इसका क्या अर्थ है, सिर झुकाना यानी आपके प्रति हम श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं. पांच उंगलियां, ये पांच, ये दस, हमारी सभी इंद्रियों में इसको हृदय के साथ लगाया जाता है. हम हमारे हृदय में जो भी प्रेम है, हमारी इंद्रियों में हृदय में जो भी प्रेम है वो हम आपके प्रति समर्पित करते हैं. ये प्रणाम या अभिवादन का आशय होता है. तो लोग हाथ तो जोड़ते नहीं, सिर हिला देते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं करते. मंदिर में भी मैंने देखा है, मंदिरों में भी जाएंगे तो प्रणाम करने में तोहीन होती है. आप सोचिए मनुष्य कितना अहंकारी है. यदि रात को खुले आकाश की तरफ देखे मनुष्य कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है. रात में आप आकाश में देखिए कितने तारे दिखाई देते हैं, लाखों, गिन तो आप सकते नहीं. एक जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं और हमारा सूर्य सबसे छोटा सूर्य है. हमारा सूर्य भी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है. और इस पृथ्वी पर हमारे भारत जैसे न जाने कितने देश हैं. इस पृथ्वी पर 5 अरब से ज़्यादा जनसंख्या रहती है. न जाने कितने अरबों पति हैं, कितने खरबों पति हैं, कितने करोड़ों पति हैं. हजार लाखों लोग हमसे ज़्यादा सुंदर हैं, हमसे बुद्धिमान हैं, लेकिन हर व्यक्ति अहंकार में कितना पागल लगता है. जिसके बाद 1 करोड़ दौलत आ गई, 10 करोड़ आ गई, आप देखिए किस तरह से अकड़ करके चलता है. पता नहीं पानी के बुलबुले की तरह शरीर कब काल के गाल में समा जाए, लेकिन मनुष्य अपने यमन पर, धन पर, पद पर कितना इतराता है. सब कुछ नश्वर है, इतना जानते हुए भी मनुष्य नश्वर पदार्थों पर अभिमान करता है. इसको कहते हैं मुर्गे की गर्दन. मुर्गे को आप भोजन करते हुए देखिए, गर्दन झुकाना नहीं चाहता, गर्दन को सीधे रखकर ही भोजन उठाता है. विनम्रता महानता का परिचायक होती है. जो व्यक्ति जितना ही विनम्र हो समझिए कि वो उतना ही महान होगा. जो व्यक्ति जितना ही अहंकारी हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो चाहे धन का क्षेत्र हो, किसी भी दृष्टि से जिस व्यक्ति में अहंकार झलकता है समझिए कि ये उथला घड़ा है, छिछला घड़ा है, इस घड़े में जल नहीं. इसलिए जब मनुष्य में पशुओं के लक्षण आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि दाब्दुल अर्थ जानवर प्रकट हो गया है. दूसरा निशान ये 20वें सिपारे में, कुरान के 20वें पारे में दाब्दुल अर्थ जानवर का वर्णन है. तीसरा जो निशान है वह है
काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। काना दज्जाल क्या है? कुरान में एक प्रसंग है अजाजील और अबलीस का। अजाजील ने अल्लाह की बनाई हुई सूरत पर प्रणाम नहीं किया था, आदम पर, फरिश्ते पर, तो उसको गुनाह लगा कि तुमको वहीं से निकाला जाता है। और परिणाम यह हुआ, अजाजील ने कहा कि हुजूर, मैंने आपके नाम के दो अंगुल भी जमीन नहीं छोड़ी है जहां आपका सीधा न बजाया, इसलिए इसका बख्शीश मिलना चाहिए कि आपकी बनाई हुई उम्मत के हर प्राणी में मेरी बैठक हो जाए। अबलीस और अजाजील की बैठक आँखों में और दिल में हो जाती है और ये सबको भटकाते रहते हैं। अबलीस क्या है? मन। अजाजील क्या है? सभी प्राणियों में उसी की चेतना है, यानी बाहर की आंखें तो खुली हुई है, अंदर की आंखें नहीं खुली है। इसको कहते हैं काना दज्जाल। जीव सृष्टि की आंखें बाहर की खुली हैं, अंदर की आंखें बंद है। अंतर्दृष्टि तब खुले जब हृदय निर्मल हो, इसलिए परम धाम के ज्ञान का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्राणराजी को देखकर भी पहचान नहीं पाएंगे कि यह स्वरूप कौन है, वो संसार का मिहराज ही समझेंगे, और इसलिए काने दज्जाल उसको कहा गया है। यानी जीव सृष्टि किस पर बैठा है? गधे पर। गधे में कितना पानी है? इतना पानी है कि सातों समुद्रों का पानी गधे के घुटने के बराबर नहीं है, ये उसके घुटने के बराबर है दज्जाल के। दज्जाल इतना बड़ा है कि सातों समुद्रों का जल जो है घुटने के बराबर ही आएगा, और किस पर बैठा है? गधे पर। आप सोचिए, क्या यह संभव है? यदि इतना ऊंचा कि पाताल से लेकर 14 लोक निराकार तक दज्जाल फैला हुआ है, उतना ऊंचा व्यक्ति गधे पर बैठे और गिर जाए तो क्या दुनिया बचेगी? ये तो असंभव सी बात है। इसका स्थूल अर्थ मौलवी लेते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि बात क्या है। सारी दुनिया में जितने प्राणी हैं सब में अंतर्दृष्टि नहीं है, बहिर्मुखी दृष्टि है। इसी को कहा है काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। गधा क्या है? अज्ञानता का, मोह का स्वरूप है। काना इसलिए है कि उसकी अंतर्दृष्टि नहीं है जीव सृष्टि की। सात समुद्रों का पानी उसकी रानों के बराबर, जांघों तक है। आप विराट के नक्शे में देखेंगे तो जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है, ये सातों समुद्र वगैरह सब कुछ जिस फरिश्ते ने पैदा किए हैं, जिसको कुरान की भाषा में अजाजील कहा जाता है, वो उसके घुटनों के बराबर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब क़यामत का समय आएगा तो जाहिरी अर्थों को ही दुनिया जान रही होगी, बातूनी अर्थों को नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब शब्दों के बाह्य अर्थ में भटकते रहेंगे और इसीलिए लड़ाइयाँ होती रहेंगी। जो चौथा प्रमाण है, सूरज का पूरब के बदले पश्चिम में उगना। सबको मालूम है कि सूर्य पूरब में उगता है, लेकिन सूर्य पश्चिम में उगेगा और मुसलमानों को वो दिखाई नहीं पड़ेगा। मुसलमान सोचते हैं कि जब सूरज पश्चिम में उग जाएगा तब हम मानेंगे कि इमाम मेहदी आ गए हैं, क़यामत का समय आ गया है। ये सूरज का पश्चिम में उगना क्या है? आप देखेंगे कि सबसे पहले खुदाई इल्म परम धाम का दूज के चंद्रमा के समान जो ज्ञान उतरा, मोहम्मद साहब के तन से उतरा, बसरी सूरत के रूप में उतरा। लेकिन वहाँ के लोग समझ नहीं पाए, वहाँ के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाना था, मोहम्मद साहब ने उनको केवल शरीयत और तरीकत का ज्ञान दिया। अब हकीकत और मारिफत का ज्ञान लेकर सतगुरु धनिष देवचंद जी, यानी मल की सूरत और हक की सूरत दोनों स्वरूपों के द्वारा, सतगुरु धनिष देवचंद जी और प्राणनाथ जी के द्वारा, वह परम धाम का सर्वोच्च ज्ञान दोपहर के सूरज के समान हिंदू धर्म में भारतवर्ष में अवतरित हुआ है। तो जब अरब में परम धाम के ज्ञान का उजाला फैला, सूरज उगा, तो परम अरब की धरती पूरब की हो गई। और जब भारत में सूरज उगता है, ज्ञान का सूरज उगता है,
प्राणनाथ जी के स्वरूप से परम धाम का जब ज्ञान अवतरित होता है तो अरब की धरती बहरुल हैवान हो जाती है। अब वहाँ की धरती में कुछ नहीं रखा। आपको देखने को मिलेगा, एक बार मोहम्मद साहब के साथियों ने पूछा कि हुजूर बताइए, आप कहते हैं कि हमारा राज पूरी दुनिया में हो जाएगा, तो हमारा विनाश भी कभी होगा? उन्होंने कहा कि हाँ, जब तुम्हारे पास काला सोना हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया। काला सोना समझते हैं पेट्रोल, और तुम इतना अधिक धनवान बन जाओ कि दूसरों को कर्ज देने लगो तो वही तुम्हारे विनाश का समय। यह भी हदीसों में साक्षी है कि जब अरब की धरती फसलों से लहलहाने लगे तो यह भी संकेत है। आजकल देखिए मौसम कितना बदल गया है, भारत में सूखा पड़ रहा है, आसाम में भी कहीं कहीं बारिश की कमी हो जा रही है, और दुबई में वहाँ बर्फ पड़ जा रही है, उल्टी कहानी हो गई है। अरब देशों के पास भविष्य में संकट आने वाला है क्योंकि उनके पास तेल के स्टॉक खत्म हो रहे हैं और आने वाले समय में बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये चार निशान तो मुख्य हैं, दाबतुल और जानवर का प्रकट होना, आजूज मजूज का जाहिर होना, काने दज्जाल का गद्दे पर सवार होना, और ये जो इसके साथ तीन और हैं, ईसा रूह अल्लाह यानी श्यामा जी का प्रकटन होना, जब्राइल और असराफिल का प्रकट होना। ये सातों निशान जब आ जाए तब समझ लेना चाहिए कि क़यामत के निशान जाहिर हो गए हैं। कहिया खुदा हमी तावसी फरदा रोज क़यामत, फरदा रोज यानी कल को, कल के दिन क़यामत के समय में 11वीं सदी में इमाम महदी के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति को आना था, कुरान के माध्यम से सारे संसार के मुसलमानों को समझाना था कि तुम कुरान से भटक गए हो। आज देखिए सीरिया में क्या चल रहा है, कुरान के नाम पर ये सारी दुनिया में आतंक मचाएंगे। कुरान हदीसों का कहना है कि जब इमाम महदी आएंगे तो सारे दुनिया में एक दिन हो जाएगा। एक दिन का मतलब एक धर्म, धर्म यानी सत्य धर्म। ये नहीं कहा कि सारी दुनिया को तुम कलमा ही पढ़ा दो, ये तो शरीयत है। जो सत्य है वो मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी है, क्योंकि परमात्मा तो सबका एक है, सबका परमात्मा एक है। जैसा खून हिंदू के अंदर होता है वैसा ही मुस्लिम के अंदर भी होता है, वही क्रिश्चियन के अंदर होता है, वही यहूदी के अंदर होता है। सत्य की पहचान नहीं है, धर्म की पहचान नहीं है। वो अपनी कट्टरता को थोपना चाहते हैं कि पांच बार नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा। ये क्या है, इसको धर्म नहीं कहते, ये तो शरीयत के नियम है। जहाँ ये आतंकवादी खड़े होते हैं कहते हैं कि कलमा सुनाओ नहीं तो गोली मार देते हैं, इसको धर्म नहीं कहते, ये धर्म के नाम पर होने वाला अत्याचार है। अब श्री जी के निर्देशन में पांच नलवे तैयार किए जाते हैं, क़यामत के सातों निशानों की पहचान कराई जाती है, सारी बातें साक्षियों के साथ उन नलियों में रखी जाती है, और कांजे भाई उनको ले जाकर सबसे पहले काजी शेख इस्लाम जो न्याय के सबसे बड़े अधिकारी थे यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उनका पद था, उसको ले जाकर के दिखाते हैं। कहते हैं कि क्या किसी और के पास है? कांजी भाई ने कहा कि हाँ, चार और के पास है, शेख निजाम के पास, आकिल खान के लिए, रिजवी खान के लिए और सिद्दीक फौलाद के लिए। वही सिद्दीक फौलाद है जिसने औरंगजेब के इशारे पर शिवाजी को कैद खाने में डाला था, खूंखार था, बड़े बड़े लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। शेख इस्लाम ने ले लिया, शेख निजाम ने भी ले लिया, आकिल खान के पास लेकर गए कांजी भाई, तो आकिल खान ने कहा कि इस पर मेरा नाम नहीं है तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि उसको गरूर था, अहंकार, कि मेरा कोई ना कोई बहाना बनाना था कि एक हिंदू के भेष में व्यक्ति आया हुआ है, इसका हम दिया हुआ क्यों ले, बहाना बना करके नहीं लेता है। रिजवी खान को भी दे देता है और सिद्दीक फौलाद के पास ले जाता है, सिद्दीक फौलाद भी को भी दे देता है। काफ़ी दिन तक सबने उस कहा कि अच्छा हम इसको पढ़ेंगे देखेंगे,
आप कांजी भाई एक एक के पास घूमते रहते हैं कि आप उसका उत्तर दीजिए, आप उसका उत्तर दीजिए। काजी शेख इस्लाम के पास कई दिन भटकते हैं, कहते हैं कि काजी साहब आप इसका उत्तर तो दे दीजिए। काजी शेख इस्लाम कहते हैं कि भाई मैं कैसे उत्तर दे दूँ, इसमें तो तुमने क़यामत की बात लिखी है और ये निर्णय करना अकेले मेरे की बस की बात नहीं है, हम पांचों मिल करके ही इसका निर्णय दे सकते हैं, क्योंकि ये क़यामत छोटी बात नहीं है। इस्लामिक दर्शन में क़यामत का सर्वोपरि स्थान है, क्योंकि क़यामत का अर्थ है वह समय आना जिसमें अल्लाह ताला की शक्ति आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुल जमा के रूप में आएगी, सारी दुनिया को देदार देगी और अर्श अजीम की राह बताएगी, कुरान के हरफे मुक्तियात के भेद खोलेगी। सारी दुनिया के मुसलमान इसकी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन आज जो मानसिकता है वो सोच रहे हैं कि आज तो 14वीं सदी खत्म होने जा रही है, हमारा कुरान तो झूठा हो जाएगा। इन्होंने तय कर लिया कि हम हथियार के बल पर सारी दुनिया को एक दिन कर देंगे। मुझे नरेश जी ने बताया कि आजकल आईएसआईएस वाले मोबाइल पर वीडियो डाल रहे हैं कि इमाम मेहदी मोदी को कैद करके अरब ले जा रहा है जंजीरों से जकड़कर। उन पागलों को यही समझ में नहीं आता कि इमाम मेहदी क्या इतना खूंखार होंगे, मोदी को कैद करके अरब ले जाएंगे उस सजा देने के लिए। कहने का आशय क्या है, संकीर्णता है। वो सोचते हैं कि सारा हिंदू समाज ही काफिर है और एक अकेले हम अच्छे हैं। इमाम मेहदी तो सारी दुनिया को प्रेम का संदेश देने के लिए आए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं आए। उनकी शक्ति तो ज्ञान की तलवार होगी, वो ज्ञान की तलवार से हिंदू को भी मुस्लिम को भी सबको सत्य की राह दिखाएंगे। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं की हिंदुओं की तर, ये समझे सब अपने मने जब आए इमाम आखिर। अब कांजी भाई सिद्दीक फौलाद के पास पहुँचते हैं, सिद्दीक फौलाद से कहते हैं कि कोतवाल साहब आप इसका उत्तर तो लिख कर दीजिए। सिद्दीक फौलाद कहता है कि देखो मैं कोई मौलवी तो नहीं, मुझे कुरान की कोई बात पता नहीं, किसी को मारना पिटना हो तो कहो मैं अभी कर देता हूँ, लेकिन कुरान की बात मैं क्या जानूँ। कांजी भाई ने कहा कि तो आप औरंगजेब से कह दीजिए, औरंगजेब से हमारी बात करवा दीजिए, जो जिस फकीर ने हमें भेजा है उसके जो साथी हैं उनकी बात करवा दीजिए। कहता है कि देखो यदि औरंगजेब ने मेरे से कुरान की कोई बात पूछ दी, कोई आयत मुझे याद आई नहीं, तो मेरा क्या हाल होगा, मुझे इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाएगा, मैं क्यों ऐसा करूं? ये मेरा काम नहीं है, मैं प्रयास करूंगा कि हम पांचों मिलकर कोई ना कोई इसका उत्तर निकालें। रिजवी खान के पास जाते हैं कांजी भाई। रिजवी खान कहता है कि अभी तो हमारी बहुत ख्वाहिश थी दुनिया में सुख देखने की, तुम क़यामत का संदेश लेकर आए हो, इच्छा तो करती है कि हम तलवार से तुम्हें मार डालें, अभी हमने शादी का सुख नहीं देखा, परिवार का सुख नहीं देखा, तुम क़यामत की ये संदेश लेकर के आते हो। शेख निजाम ने भी टाल दिया कि अकेले उत्तर देना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, महीने बीत जाते हैं, कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होता। सब तरह देख लिया गया, शेख सुलेमान ने भटकाया था 2 महीने, रुके लेकर के सबके पास गए, शेख निजाम ने उत्तर नहीं दिया, रुके को चिपकाने पर भी कोई परिणाम नहीं निकलता है। अब एक ही बात आती है, अब सब सुंदर साथ कहते हैं कि धाम धनी अब बहुत हो गया, अब तो लड़ाई आर पार की है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब सुंदर साथ आपस में मिलकर निर्णय करते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। सब ने सोचा कि देखिए हमारे मूल तन तो परम धाम में है, हमारे शरीर को ही तो कोई मारेगा, हमारी आत्मा तो परात्म में उठेगी, इसलिए हमें मरने का डर नहीं है। हमारे लिए ये कुरान जो आया है, हमारे लिए आया है, हमारी साक्षी के लिए आया है कि परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस खेल में आने वाली हैं। कुरान के अवतरण का विशेष प्रसंग है, समस्त हिंदू ग्रंथों में भारत में ब्रह्मात्माओं के अवतरण का प्रसंग था। पुराण संहिता पढ़िए, माहेश्वर दंत पढ़िए, भविष्य दीपिका पढ़िए,
सब में साक्षियां हैं कि परम धाम की ब्रह्मात्माएं अवतरित होंगी। पुराण संहिता में तो विस्तृत रूप से लिखा है किस प्रांत में कितनी आत्माएं आएंगी, कैसे कैसे जागनी होगी, सारा वर्णन दिया है। लेकिन कतेब की परंपरा में किसी ग्रंथ में साक्षी नहीं थी। हाँ, बाइबल में थोड़ी बहुत साक्षियां हैं, इसलिए कुरान के रूप में ये साक्षी ग्रंथ आया जिससे सारे संसार को पता चल जाए कि सच्चिदानंद परब्रह्म आने वाले हैं। हिंदुओं के लिए विजयानंद स्वरूप में, मुसलमानों के लिए अखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब भी जुमा के रूप में। कुरान की साक्षी नहीं होती तो आज ये कहा जाता है कि हिंदुओं के कोई अवतार हैं, कोई देवता हैं, कोई दिव्य पुरुष हैं। लेकिन मुसलमानों ने इसका अर्थ नहीं समझा। इसको कौन समझेगा? जिनके लिए कुरान अवतरा केवल वही समझ सकते हैं। जाहिरी मुसलमान तो केवल शरीयत की नमाज पढ़कर ही अपने को मोमिन कह लेते हैं, उनके अंदर ईमान नहीं होता, इश्क नहीं होता, आम खलक होती है और वो कुरान के वास्तविक अर्थ को जान नहीं पाती। परिणाम क्या होता है? वो हथियार उठा लेती है। दुनिया में जहाँ भी इस्लाम फैला है अधिकतर हिंसा और भय के द्वारा फैलाया गया है। सूफी फकीरों ने अवश्य कुछ लोगों को प्रेम की राह पर लाकर इस्लाम में लाए, लेकिन 90% इस्लाम जो भी फैला है भय और हिंसा के साए में फैला है। आज भी जो दुनिया में जहाँ भी आतंक फैल रहा है उसका कारण यही है। सब सुंदर साथ आपस में निर्णय करते हैं कि अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भेष बदलेंगे और औरंगजेब सीधे जामा मस्जिद में चलकर खुले आम घोषणा करेंगे कि हम आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जुबा के संदेश वाहक हैं, कि उनके संदेश को लेकर के आए हैं। औरंगजेब भी अंदर से प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बादशाह होने पर भी उसको भी भय है, क्योंकि बादशाह कहीं ना कहीं अधिकारियों से घिरा रहता है, सब कुछ अपने आप कर नहीं पाता। सुंदर साथ ने कांजी भाई के माध्यम से श्री जी के पास संदेशा भेजवाया कि श्री जी अब हम आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। श्री जी ने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम कोई भी सख्त कदम नहीं उठाना। श्री जी आ जाते हैं चांदनी चौक में, छत्री की हवेली में ठहरते हैं। सब सुंदर साथ उन्हें अपनी भावना से अवगत करा देते हैं कि धामधनी इतने महीने हो गए, कभी किसी के पीछे हम चल रहे हैं, कभी किसी के पीछे चल रहे हैं, कोई हमसे बात कराने को तैयार नहीं होता। अब तो हमने ये निर्णय ले लिया है कि हम सुंदर सात भेष बदलेंगे और सीधे औरंगजेब के दरबार में जाकर ही रहेंगे। हमारी एक ही इच्छा है कि हम अपने हाथों से भोजन कराएं, बनाएं और आपको भोजन कराएं, और आपका वरद हस्त हमारे ऊपर रहे, फिर हम ये कार्य करेंगे। श्री जी को सब सुंदर साथ ने अपने हाथों से भोजन बनाकर तैयार किया, भोजन कराया, उनके चरणों में शीश झुकाया, कहा कि धामधनी अब हम अगले दिन आपके चरणों की छत्रछाया में रखकर औरंगजेब को अपना पैगाम पहुँचनेंगे। इसमें कौन था? वो कायम मुल्ला भी था। तफसीर उसे नहीं पढ़ते पढ़ते उसको भी ईमान आ जाता है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं बरहक सच है। चिंतामणि जो गादीपति हैं वो हैं, भीम भाई हैं, लालदास जी हैं, इस तरह से 12 सुंदर साथ हैं, शेख बदल जी हैं, 2 मुस्लिम हैं, 10 हिंदू हैं, ये 12 सुंदर साथ तैयार हैं। और तो कितने तो डर गए हैं कि औरंगजेब के सामने जाने का मतलब कि अपनी गर्दन कटाना। हम क्यों मरें? जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ राजी को याद कर लेंगे, जान खोना मूर्खता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन जिसको राज्य पर विश्वास है, जो अक्षरातीत के लिए जाएगा उसकी रक्षा कौन करेगा? राज्य तो करेंगे। जब समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से कहा कि शिवा मुझे शेरनी का दूध चाहिए, कौन लाएगा? शिवाजी ने कहा कि गुरुदेव मैं लाऊंगा। और कौन जाएगा? सबको मालूम है कि शेरनी के सामने जाने का मतलब कि शेरनी तो हमें मारकर खा जाएगी। शिवाजी को विश्वास था कि जो गुरुदेव मुझे भेज रहे हैं वही मेरी रक्षा ही करेंगे, और इसी विश्वास पर शेरनी के सामने गए, हाथ जोड़कर कहा कि माता मुझे तुम्हारा दूध चाहिए। शेरनी लेट जाती है और शिवाजी
शेरनी का दूध आराम से वैसे ही दुहलाते हैं जैसे गाय का दूध दुहते हैं। ये आस्था और विश्वास की बात होती है। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ कभी किसी ने सोचा नहीं। हिंदू असहाय बने रहे। आप सोचिए, तैमूर लंग ने हमला किया था मेरठ में, 1,00,000 हिंदू को गाजर मूली की तरह काटा, उसमें बच्चे थे, स्त्रियां थी, बूढ़े थे। इस देश का पौरुष समाप्त हो गया था। यदि 1,00,000 में कुछ तो नौजवान होंगे, कुछ भी हथियार उठाते, कुछ तो अपना संघर्ष दिखाते, एक बख्तियार खिलजी ने अपने 100 सिपाहियों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 1,800 छात्र थे और 2,000 आचार्य, और टिड्डी दल की तरह ये 20,000 की फौज भाग गई। बताइए, यदि 20,000, 18,000 छात्र और 2,000 आचार्य केवल डंडे लेकर मुकाबला करते तो 100 सैनिकों पर भारी पड़ते। लेकिन जिस देश में वीरता न हो, भय, अरे हम मर जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ने क्या शिक्षा दी है, अर्जुन, न एनम छिंदंति शास्त्राणि न एनम दहति पावका न च एनम क्लेद्यत आपो न शोषयत मारुतम। इस आत्मा को न किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती। आप देखेंगे, स्वतंत्रता का संघर्ष जब चल रहा था तो गुरुकुल के जो छात्र होते थे फांसी का फंदा अपने हाथों से अपने गले में डाल लिया करते थे। जल्लाद सोच रहा है कि ये मुझको भी डालने नहीं दे रहे हैं, हंसते हंसते फंदा गले में डाल रहे हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते वेद का मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे इनको मृत्यु से डर ही नहीं लग रहा है। बंदा बैरागी के साथ यही घटना होती है। बंदा बैरागी का एक एक अंग काटने के लिए आदेश होता है। जल्लाद हाथ को टुकड़े काटता है, पैर को टुकड़े काटता है, जल्लाद काटता जा रहा है और बंदा बैरागी मुस्कुरा रहा है। जल्लाद की आंखों से आंसू आ जाता है कि बंदा बैरागी तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा है, और खिलखिलाकर हंसते हैं बंदा बैरागी कि जल्लाद तू मुझे नहीं काट सकता, तू मेरे शरीर को काट रहा है, जो करना हो कर। यह है आत्मतत्व की पहचान। और जब भारत के लोग पत्थरों पर सिर पटकेंगे, मजारों पर सिर पटकेंगे, शालिग्राम को ही परमात्मा मानेंगे, हृदय में ज्योतिष्मान परमात्मा को नहीं मानेंगे, वेद हमितम पुरुषम अहंतम आदित्य वर्ण तमसा परिस्ताद को भूल जाएंगे, तो यही तो हाल होगा। उनकी आस्था पत्थरों में है, परमात्मा पर नहीं, जिसने इस अनंत सृष्टि को बनाया, असंख्यों गैलेक्सियां बनाई, असंख्यों सूर्य बनाए, उस परमात्मा को एक कमरे की चारदीवारी के कैदखाने में बंद कर देना और कहना कि नहीं, यदि शूद्र इस मंदिर में घुस आएगा तो हमारे भगवान अपवित्र हो जाएंगे, उस मानसिकता ने तो इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है। और यही कारण है कि आज भी हिंदू डरपोक होता है, कायर होता है। किस लिए? क्योंकि उसके आत्मबल नहीं है। हमारी संस्कृत कहती है, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, वनस्पति है शांति, औषधि है शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति है वह शांति, सा शांति माएत। द्योलोक में शांति हो, संपूर्ण अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, हम शांति की बात अवश्य करते हैं और करनी चाहिए, शांति का दीपक जलाइए। लेकिन उस दीपक को बुझाने के लिए हवा का झोंका है तो उस हवा को झोंके को रोकने का साहस करना चाहिए, नहीं तो जब शांति का दीपक ही बुझ जाएगा तो शांति की बात कौन करेगा। यह हमने भुला दिया। हम अहिंसावादी अवश्य बने। राम ने कभी चींटी को नहीं मारा होगा, राम और कृष्ण ने कभी किसी हिरण पर अपना हथियार प्रयोग नहीं किया, लेकिन हाँ, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भी अस्त्र शस्त्र धारण किए। मेरे कहने का आशय क्या है, हम शांति की जो बात करते हैं, अहिंसा का मार्ग हिंसा से होकर ही जाता है। आप कल्पना कीजिए, आप अहिंसा अहिंसा का उपदेश दीजिए, लेकिन आप अहिंसा का उपदेश तभी तक दे सकते हैं
जब तक सीमा पर सेनाएं हैं, सेनाओं को सीमा पर से हटा दीजिए। हर मनुष्य की प्रवृत्ति एक समान नहीं हो सकती। आपके देश में पाकिस्तान घुस के सैनिक घुस जाएंगे, चाइना के सैनिक घुस जाएंगे, उनको आप कहिए कि धर्म कहता है अहिंसा पर चलो, क्या आपका उपदेश वो मानेंगे? इसलिए सुंदर साथ बहुत हैं। वो 500 की जमात तो सूरत से चली थी, रास्ते में और भी मिल जाते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने जाने के लिए केवल 12 तैयार हो पाते हैं। सबको डर क्या है, मैं मर जाऊं, मुझे मरना ना पड़े। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, बहुन में जन्मान व्यतितान तो अर्जुन तान अहम वेत तुम न वेत परंतु, मेरे और तुम्हारे अनेकों बार जन्म हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। अर्जुन तू ये सोच रहा है कि तुम भीष्म पितामह को मारेगा, द्रोणाचार्य को मारेगा, कैसे मारेगा, ये भी तो सोच तू भी पहले कितनी बार मर चुका है, तेरा शरीर मर चुका है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के शरीर भी कई बार मर चुके हैं। जो तेरा निज स्वरूप है वो कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। इसलिए अनासक्त भाव से तुम कर्म करो। यही हुआ, इस देश के लोग केवल गीता पढ़ते रहते तो हजार वर्षों की गुलामी नहीं झेलते। लोगों ने सब पढ़ना बंद कर दिया। यदि जो देश 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र याद नहीं कर सकता, वो देश क्या अपनी रक्षा करेगा? किसी शास्त्र का पठन पाठन नहीं, जहाँ देखो वही घंटी घड़ियाल, वही टन टन पू पू, क्या इससे धर्म की रक्षा होगी? केवल भोग चढ़ाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, नाच कूद हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, समाज में ज्ञान भक्ति की धारा समाप्त कर दी गई है, तो निश्चित है कि उसके दंड हमें भोगने पड़ रहे हैं। समाज को जागरूकता देने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, ध्यान का प्रेम चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, और धार्मिक केंद्रों से यही मिलना चाहिए। धार्मिक केंद्रों को, चाहे वो मंदिर हो चाहे आश्रम हो, उनमें सोने चांदी की सजावट करके हम समाज को कुछ नहीं दे सकते। हीरे मोतियों के हार चढ़ाने से परमात्मा कभी खुश नहीं होगा। उसकी बनाई हुई सृष्टि मानव की है, उस मानवता में, मानव के अंदर ज्ञान का प्रकाश कीजिए, परमात्मा का वरद हस्त आपके ऊपर पड़ा रहेगा। और यदि आपने मानवता को ज्ञान से रहित कर दिया, भक्ति से रहित कर दिया, तो मानव स्वभाव तो अंधेरे में भटकेगा ही। इसी का परिणाम है कि धर्म के नाम पर आजकल अधर्म का डंका बज रहा है। अब आप देखेंगे, कल औरंगजेब के सामने ये 12 सुंदर साथ जाएंगे, कैसे? सिर पर कफन बांधकर। जो जानता है कि संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता, वही तो मृत्यु से अभय होगा। नहीं तो सामान्य प्राणी तो डरपोक होता है, शेर भी डरपोक होता है, शेर बहादुर नहीं होता है। लोग शेर को बहादुर कहते हैं, मैं शेर को कभी बहादुर नहीं कहता। शेर क्रूर होता है, मांसाहारी हर व्यक्ति भय करता है। सिंह को जब पता चलेगा कि मैं खतरे में हूं तो भाग सकता है। शंकराचार्य से एक कपालिक ने कहा कि आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको मृत्यु का डर नहीं, मुझे आपकी आपकी गर्दन गर्दन चाहिए, आपकी मैं बलि चढ़ाना चाहता हूं, और मैं आधी रात को इस जगह पर रहूंगा, आप आ जाइए। शंकराचार्य ने कहा कि कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं आ जाऊंगा। शंकराचार्य अपने शिष्यों के बीच में सो रहे होते हैं और चुपके से वहां चल देते हैं कि कपालिक ने बुलाया है, क्योंकि कपालिक शास्त्रार्थ में हार चुका था। उसने सोचा कि शंकराचार्य जी को इसी छल करके मैं बलि चढ़ा दूं। आप देखेंगे, जब नादिर शाह दिल्ली में खून की नदी बहाता है, लेकिन जब वह भी अपने विरोधियों से घिरता है तो मरने का नाम सुनकर कांप उठता है। सिकंदर बादशाह सारी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चलता है, लेकिन मरने के समय उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं। एक शंकराचार्य है, अवस्था भी ज्यादा नहीं, छोटी सी अवस्था है, 25 साल की अवस्था में एक शत्रु कहता है कि यहां पर चले आइए, आपको बलि चढ़ानी है। शंकराचार्य हंसते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैं अवध्य हूं, मैं अखंड हूं, मुझे भला कौन मार सकता है। हाँ, उनके एक शिष्य ने चुपके से निद्रा अपनी तोड़ी और
समय पर उचित प्रयोग करके अपने योग बल से शंकराचार्य की रक्षा की और उस कपाली को मार गिराया। शंकराचार्य को मृत्यु का भय नहीं है, दयानंद को मृत्यु का भय नहीं है, गौतम बुद्ध को मृत्यु का भय नहीं है। जो आत्मज्ञानी होता है वही निर्भीक होता है। स्वामी श्रद्धानंद स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसी दिल्ली में चांदनी चौक की घटना है। सामने अंग्रेज सेना है, सेना को आदेश दिया गया है कि जो भी जुलूस आए उसको गोलियों से भून दो। नेतृत्व कर रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद और सामने अंग्रेज सैनिक बंदूकें ताने हुए, राइफलें ताने हुए। स्वामी श्रद्धानंद अपने कोट के बटन खोलकर कहते हैं कि मारो मेरे सीने पर गोली। सैनिकों के हाथ कांपने लगते हैं और गोली नहीं चला पाते हैं। डरपोक आदमी तो पहले ही छोड़ करके भाग जाए, इसलिए डरता कौन है? जो मांसाहारी होता है वो निश्चित रूप से डरपोक होता है, हिंसा करने वाला डरपोक होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी मांस नहीं खाया, भीम ने कभी मांस नहीं खाया, अर्जुन ने कभी मांस नहीं खाया। ये वीर थे क्योंकि इन्हें आत्मा के स्वरूप की पहचान थी। हमारा देश जब आत्मज्ञान से रहित हो गया तो कायरों का देश बन गया। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि बख्तियार खिलजी ने 100 सैनिकों की सहायता से 20,000 लोगों को भगा दिया। एक भी उसमें बहादुर होता तो कहता कि अरे भाई जो बाघ के डंडे हैं इनको इकट्ठा कर लो, 20,000 लोग लाठियां लेकर खड़े हो जाएं तो 100 का 1,000 सैनिक आए उसको मारकर भगा सकते हैं। लेकिन 20,000 भेड़ों की तरह भाग उठे। जब मुगल हमला करते थे देश पर, हिंदू समाज में पौरुष ही नहीं था किसी को से लड़ने का। टिड्डी दल की तरह भागते जा रहे हैं, वो तलवारों से काटते जा रहे हैं। किस लिए? किसी में वीरता नहीं, त्याग नहीं। आए कहाँ से? पत्थरों को तो भगवान मान रखा है, सृष्टिकर्ता मान रहा है। आत्मस्वरूप की पहचान नहीं है, आत्मदेव को नहीं मानना है, परमात्मा देव को नहीं मानना है, पत्थर को भगवान बनाना है, शूद्र से घृणा करना है, नारी का तिरस्कार करना है, किसी को धर्मशास्त्र की शिक्षा नहीं देनी है। यही तो हमारी कमजोरी है जिसके कारण 1,000 वर्षों की गुलामी सबको झेलनी पड़ी थी। और उस समय भी गुलामी का समय है, औरंगजेब के ज़माने में कौन बोलता है? गुरु गोविंद सिंह ने आवाज़ उठाई, छत्रपति शिवाजी ने उठाई, महाराजा छत्रसाल जी ने उठाई, सारा देश तो सोया पड़ा था। आध्यात्मिक ज्ञान ही सबको जागृत करता है। इसलिए जब श्री जी आप आगे सुनेंगे, दिल्ली से चलते हैं तो किरंतन उतरता है, राजा ने मलोरे राणे राय तोड़ो, धर्म ज्यादा रे कोई दौड़ो, जागो रे जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। तुम ये जो वेद शास्त्र पढ़ रहे हो तुम्हारा ये पढ़ना किस काम में आएगा? राजाओं को कहते हैं कि राजाओं तुम्हारी तलवारें म्यान में चली गई है, किसके लिए तुम शरीर पाल रहे हो? आखिर देश को कौन जागरूक करेगा? ज्ञान का प्रकाश ही तो। मंदिरों से जब ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा तो संसार समाज कैसे चलेगा? इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है समस्त समाज राजमहलों जैसे सुंदर मंदिरों का निर्माण करने की अपेक्षा ज्ञान के मंदिरों का निर्माण करें। हर व्यक्ति के हाथों में धर्म ग्रंथ दे, आपकी जिस पर श्रद्धा है तारतम वाणी का प्रकाश सर्वत्र फैलाइए, ताकि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब एक सत्य को माने। वेदों का प्रकाश फैलाइए, और कुछ नहीं, गीता में तो 700 श्लोक हैं। यदि प्रतिदिन 2-2 श्लोक कंठस्थ कोई करे तो एक वर्ष में गीता पूरी कंठस्थ हो जाएगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, गीता के श्लोक इतने सरल हैं। लेकिन पूछिए, अभी मैं पूछूं, सरसावा में कितने लोग होंगे जिनको गीता के 5 श्लोक भी याद होंगे? तो मुझे नहीं मिलता, नहीं समझ में आता है। मैं समझता हूँ कि 80% लोग भी नहीं हो, 80% लोग तो ऐसे होंगे जिनको 5 श्लोक भी गीता के याद नहीं होंगे, और ऐसे भी भाग्यवान लोग होंगे जिन्होंने अभी तक गीता भी नहीं देखी होगी। तो आप सोचिए ये दुखद घटना इससे बड़ी क्या होगी। आज भारत की युवा पीढ़ी को राम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है,
श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं मालूम है, विदेशी संस्कृत के बारे में उससे मालूम है। आप यदि अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, उसकी वृद्धि नहीं कर सकते, मानवता को प्रेम और शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकते, तो केवल धन संग्रह करके, बंगले बनाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख करके क्या कर लेंगे? ये तो सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए एक तरफ सारा देश सो रहा है, एक तरफ चिंतामणि, लालदास जी, भीम भाई जी और शेख बदल काज, शेख कायमुल्ला इत्यादि 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। जिस औरंगजेब के सामने बोलने में लोगों के प्राण सूखते हैं, उस औरंगजेब के सामने सिंह गर्जना करके लालदास जी अब बोलते हैं, वो दृश्य बहुत ही अच्छा होगा, उसकी चर्चा सुनेंगे आप कल। अब चुप है तो रहे। श्री महामति कहे ए मोमिनो, सुनियो एह बितक, अब आगे तुमको कहो, जो हुआ हुकम हक, जो हुआ हुकम हक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।